हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। कैसे हो सबके सर? पहले जरा ये बताओ कि ऑडियो विजुअल दोनों क्लियर है या हम लाइव आ चुके हैं? और फिर लाइव बता दो जरा मुझे फटाफट से। यस, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। चलिए सेशन शेयर किया। यस वी आर लाइव, दैट्स ग्रेट। ऑडियो विजुअल बोथ आर क्लियर। गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। मैम, इन सम सर्च ऑपरेशन इन बाइनरी फाइल वी हैव यूज्ड ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक एंड इन सम केसेस वी यूज्ड फॉर लूप। हाँ शिवांश पांडे जी, जहाँ पर हमारा जो बाइनरी फाइल का कंसेप्ट है, अगर मैं नेस्टेड लिस्ट के थ्रू करा रही हूँ वहां पर आपको ट्राई और एक्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, राइट? ये सुबह सिद्धार्थ शायद नहीं देखा होगा मैंने, आप प्लीज दोबारा से कर देना। क्या आपने इसी नेम से डाउट पूछा था? अदरवाइज यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है? एंड एज यू हैव ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल, तो आपको मेंबरशिप टैब में वहां पर पर्सनली मुझसे डाउट पूछने का लिंक मिलेगा, यू कैन यूज दैट एज वेल। हाँ, इस चैप्टर के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी करेंगे। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस का जो है, प्रिंस चोपड़ा जी, हम ऑलरेडी पीवाईक्यूज कर चुके हैं बेटे, एक बार प्लेलिस्ट चेक करो। बारह दिन में कुछ हो सकता है? सीरियसली कुछ नहीं पड़ा मैम। हाँ बच्चा, आप ये जो प्लेलिस्ट है हमारी रॉकिन बोर्ड सीरीज की, इसको फॉलो कर सकते हो। अनमोल शर्मा, एक्चुअली मैंने नहीं देखा है वो। इफ इट इज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई करिकुलम तो डेफिनेटली यू कैन फॉलो दैट। चलिए, इन नेस्टेड लिस्ट बेटा। चलिए, सो गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। 77 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इतने लाइक्स इस वीडियो पर जरूर होने चाहिए, प्लस इस टाइम तक इतने शेयर भी इस वीडियो के जरूर हो जाने चाहिए, राइट? एक दिन वाला प्लान बताइए, एक दिन में कंप्यूटर साइंस पढ़कर 70 out of 70 कैसे आए, ये देखना चाहते हो? हाँ, रिकर्शन रिलेटेड है बच्चे। क्या डाउट है सीएसवी वाली फाइल में? कल हमने सारा ऑपरेशन परफॉर्म करें सीएसवी फाइल के। चलो ठीक है, सो अगेन आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, प्लस हमारे इस रॉकिंग बोर्ड सीरीज तैयारी जीके का 23 डेज मास्टर प्लान में। टुडे इज डे 11, 20th मार्च एंड वी आर लाइव हियर एट शार्प 4 PM विद अवर टॉपिक ऑफ पीवाईक्यूज ऑफ टेक्स्ट फाइल, राइट? चलिए, सो आप देख सकते हैं दिस इज द स्केड्यूल ऑफ आवर रॉकिंग बोर्ड सीरीज। तो यहाँ पर आप लोगों का 20 मार्च है वेडनेसडे, 4 PM हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज ऑफ टेक्स्ट फाइल, प्लस इसके बाद हम जो है पीवाईक्यूज कल कर रहे होंगे बाइनरी फाइल के भी, प्लस साथ में हम करेंगे सीएसवी फाइल के भी, ठीक है? सो फटाफट से, एंड यू नो व्हाट, आज इंटरनेशनल स्माइल डे भी है, हैप्पी डे, ठीक है? तो फटाफट से आज मुझे चैट सेक्शन में फायर सिंबल या थम्स अप सिंबल नहीं चाहिए, फटाफट से हंस करके दिखा दो। कैन वी स्टार्ट आवर टुडेज लाइव क्लास? फटाफट से स्माइली वाला इमोजी भेज दो बच्चों। चलिए फटाफट से बता दो, गिव मी योर कंफर्मेशन बच्चों, कैन वी स्टार्ट अवर टुडेज लाइव क्लास? राइट, यस, हैप्पी, वेरी गुड। चलिए, सो दैट मीन्स यू ऑल आर रेडी नाउ। चलिए, सो स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास को। और आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम द सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 एंड 24, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस
changes the position of file pointer and return its new position. ठीक है, so that means question क्या है कि which of the following function changes the position of file pointer. हमें अपने file pointer को move करना है, change करना है, तो कौन सा function use होगा इसमें से? Which function will be used? बता दो जरा फटाफट से. Yes, seek function will be used for this purpose. First का है C part. Next है second question. Write a function in Python to read a text file alpha.txt. And you know what? देखो एक चीज और बताएं ये questions करने से पहले. चलिए देखो टेक्स्ट फाइल में से आपके प्रोग्राम्स आते हैं. ठीक है, अब जितने भी आपके प्रोग्राम्स होंगे ना वो या तो आपके होंगे कैरेक्टर बेस्ड, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, वर्ड्स के बेस्ड पर होंगे. ठीक है, या फिर लाइंस के बेस्ड पर होंगे. राइट, जितने भी आपके टेक्स्ट फाइल के प्रोग्राम्स हैं वो या तो आपके कैसे होंगे कैरेक्टर बेस्ड होंगे, या तो वो आपके वर्ड्स बेस्ड होंगे, या फिर वो आपके लाइंस पर बेस्ड होंगे. अब देखो एक सिंपल सा आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट बता देते हैं सो दैट आपको प्रोग्राम्स बनाने में इजी हो. फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो तीनों में सबसे पहले फंक्शन डेफिनेशन पार्ट लिखोगे, फंक्शन का नेम लिखोगे, फाइल को ओपन करोगे और एंड में फाइल को क्लोज करोगे. ठीक है, देखो कोई भी प्रोग्राम हो उसमें अगर मुझे फाइल में से डेटा रीड करना है ना तो वो चीज मैं रीड फंक्शन के थ्रू भी कर सकती हूँ, रीड लाइन के थ्रू भी कर सकती हूँ, रीड लाइंस के थ्रू भी कर सकती हूँ. ठीक है, बट कोशिश क्या करना, अगर आपका क्वेश्चन कैरेक्टर बेस्ड है तो क्या करना, आप रीड फंक्शन लगा लेना, बहुत इजीली काम हो जाएगा. ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल लेना और डेटा को रीड फंक्शन के थ्रू रीड कर लेना, उसके बाद अपना क्या लगा देना, कंडीशन, या फॉर लूप लगाना फिर कंडीशन लगा देना. राइट, कोई भी क्वेश्चन आपका कैरेक्टर बेस्ड हो, फंक्शन डिफाइन करोगे, फाइल को रीड करोगे. ठीक है, रीड फंक्शन के थ्रू डेटा रीड करना, नो डाउट रीड लाइंस के थ्रू भी हो जाएगा और रीड लाइन के थ्रू भी हो जाएगा. ठीक है, बट अगर कैरेक्टर बेस्ड वाले क्वेश्चन में रीड फंक्शन लगाओगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू डू दैट. फिर फॉर लूप लगा के फिर जो क्वेश्चन में कंडीशन पूछी हो वो लिखना. देखो अगर वर्ड्स के बेसिस पर हो आपका क्वेश्चन, फंक्शन डिफाइन करोगे. ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फाइल को ओपन करोगे. अब मुझे ये ध्यान रखना है कि आपने उसके बाद अपना स्प्लिट फंक्शन यूज करना है अगर मेरा क्वेश्चन वर्ड्स के बेस पर है. राइट, अगर मेरा क्वेश्चन वर्ड्स के बेस पर है तो वहां पर आपने हमेशा ध्यान रखना कि जैसे वर्ड्स रिलेटेड मीन्स यू वर्ड काउंट करना है या स्टार्ट यू से हो रहा हो, कोई वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो दैट मीन्स आपको स्प्लिट फंक्शन यूज करना ही करना है. ठीक, और अगर क्वेश्चन लाइंस के बेस्ड पर हो तो वहां पर आप कोशिश करना कि अपना रीड लाइंस फंक्शन के थ्रू करना, फिर फॉर लूप लगाना, फिर आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली हो जाएगा. यस मिलन वर्मा, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भी कराए हैं ये तो. एफ यू एन से मैंने ऐसे ही रेंडमली कोई फंक्शन का नेम लिख लिया. ठीक है, हाँ आपको अगर वाइल लूप से इजी लगता है आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हाँ क्लोज कर दोगे तो अच्छा रहेगा. चलिए ये क्वेश्चन हो गए हमारे पास. नेक्स्ट स्टेप देखो मुझे क्या करना है, सारे क्वेश्चन हम पाइथन में ही करेंगे. ठीक है, यहाँ पर मैं पाइचाम ओपन कर लेती हूँ. शिविन नेगिया, प्लेसमेंट जरूर देखना है कि कहाँ पर प्लेसमेंट अच्छी हो रही है.
Today is March 20. Yes. PYQs of text file. चलिए सो हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है पहले हम वो करते हैं क्या कह रहे हैं हमें चलिए अब मुझे क्या कह रहा है राइट अ फंक्शन इन पाइथन अ फंक्शन का नेम नहीं गिवन ना कैरेक्टर बेस्ड मीन्स कि आपको ई कैरेक्टर काउंट करना है कितने बार आ रहा है वोवल से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है डिजिट है या नहीं है तो ये कैरेक्टर बेस्ड है राइट अब मेरा क्वेश्चन कह राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड अ टेक्स्ट फाइल अल्फा डॉट टी एक्स टी एंड डिस्प्लेस दोज लाइन्स विच बिगिन विद द वर्ड यू जो आपकी किससे स्टार्ट हो रही हूँ यू वर्ड से स्टार्ट हो रही हूँ राइट सो दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड है कि मुझे देखने की जो यू से स्टार्ट हो रही हो ठीक है अब आपके माइंड में सीधा स्ट्राइक करना चाहिए कि मुझे यहाँ पर अपना स्प्लिट फंक्शन यूज करना है राइट सो यहाँ पर मैंने क्या किया फंक्शन का नेम नहीं गिवन तो मैंने बिगिन विद यू है ना तो मैंने इसका नेम लिख लिया बिगिन यू राइट अब इसके बाद मुझे क्या करना है फाइल को ओपन करना है ठीक है फाइल को ओपन करने के लिए फाइल का नेम लिखोगे अल्फा डॉट टी एक्स टी और इसको आपने रीड मोड में ओपन कर लेना ठीक है यहां तक सभी को क्लियर है अब उसके बाद क्या टू रीड अ टेक्स्ट फाइल बिगिन विद द वर्ड यू देखो मैं आपको सारी चीजें जो है ना प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा प्रोग्राम लिख रही हूँ फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ ठीक है यहाँ से हम अपनी अल्फा डॉट टी एक्स टी देखें कोई फाइल है ये रही मेरे पास अल्फा डॉट टी एक्स टी फाइल ठीक है अब इसमें क्या है यू एंड मी ऐसे मैंने रेंडमली कोई भी टेक्स्ट लिख रखा है आपने वो लाइन्स डिस्प्ले करानी है जो आपका यू से स्टार्ट हो रहा हूँ राइट तो अब देखो यहाँ पर क्या करें लाइन की बात हो रही है ना तो दैट मीन्स मैं रीड लाइन्स फंक्शन से अपना डेटा रीड कर लूं राइट मैंने क्या किया यहाँ से रीड लाइन्स फंक्शन के थ्रू अपना डेटा रीड कर लिया एक लाइन्स वेरिएबल में स्टोर करा लिया अब जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है यहां से मैंने अपने फंक्शन को कॉल करा राइट तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों चीज ओपन करके दिखा दी आपका प्रोग्राम भी टेक्स्ट फाइल भी और ये आपका आउटपुट भी तो देखो मेरे पास ये लिस्ट के फॉर्म में डेटा आ रहा है रीड लाइन्स फंक्शन मुझे लिस्ट के फॉर्म में डेटा देगा एक एक लाइन आ गई सारी लाइन्स की लिस्ट आ गई अब मैं जरा इस पर फोर लूप लगा दूं फोर लाइन इन लाइन्स और फिर जरा इसको लाइन वेरिएबल को प्रिंट कराओ हाँ अब देखो मेरे पास क्या आ गया ये एक एक लाइन आ गई अब ये जो एक एक लाइन है ना एक चीज और ध्यान रखना जो आपका स्प्लिट फंक्शन है बच्चों वो स्ट्रिंग पर अप्लाई होता है राइट अगर आप इस लाइन्स वेरिएबल पर अप्लाई करोगे इसने मुझे किस टाइप की डेटा किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करके दी थी लिस्ट टाइप की उस पर स्प्लिट फंक्शन आपका नहीं लगेगा ठीक है चलिए अब यहाँ पर है मेरे पास इसको हटा दूं लाइन आ गई स्ट्रिंग आ गई अब मैं क्या करना चाह रही हूँ जो यू से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे ठीक है मैं इसको क्या कर दूं एक एक लाइन को स्प्लिट करूं या नहीं फटाफट बताओ क्या लॉजिक लगाएंगे स्टार्ट्स विद दिस में नहीं यूज कर सकते क्योंकि अगर सपोज आपका कोई लाइन यूथ से स्टार्ट हो रही है वाई ओ यू टी एच या योर वर्ड आ रहा है तो वहां पर तो ये चीज नहीं काम करेगी ना ठीक है तो स्टार्ट्स विद मुझे नहीं लगता कि आपका रेलिवेंट मेथड रहेगा और बताओ जरा क्या यूज कर सकते हैं बताओ फटाफट से लॉजिक स्प्लिट फंक्शन कैसे यूज करें
If I dot split, I क्या है मेरे पास, ये line variable कह रहे हो, line of zero double equals to u. देखो पहले तो मुझे क्या करना है, split function, lines dot split नहीं बच्चन मूल शर्मा, यही चीज मैंने आपको बताई कि lines variable क्या है मेरे पास, list type का है, और list type के variable पे मैं split function use नहीं कर सकती. दोनों यूज कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जिससे आपको इजी लगे आप वो करो. देखो पहले तो सबसे पहले मैं इसको स्प्लिट कर दूं, एक वर्ड्स नेम से मैंने क्या किया, वेरिएबल लिया, इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया. अब इसको जरा प्रिंट कराओ क्या आ रहा है मेरे पास. इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, हाँ अब देखो मेरे पास ये आ गया लिस्ट की फॉर्म में, एक लिस्ट आ गई ना. अब मैं देख रही हूँ कि क्या वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट मीन्स जीरो इंडेक्स की बात हो रही है. इफ वर्ड्स ऑफ जीरो, ये जो वर्ड्स लिस्ट आई है मेरे पास उसके जीरो इंडेक्स पर क्या मेरे पास यू है, अगर है तो मुझे क्या करना है, उस लाइन को प्रिंट करा देना, और ये ताकि एक्स्ट्रा वो आपका बैक स्लैश ना आए. चलिए अब मेरे पास वो लाइंस डिस्प्ले हो गई जो आपकी किससे स्टार्ट हो रही है, यू से. अब मुझे बताओ क्या ये चीज सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है. दैट्स ग्रेट पल्लव गुप्ता, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस. चलो अब फटाफट से बताओ, इज इट क्लियर, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को. राइट देखो एक दो क्वेश्चन में टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस लॉजिक समझ में आना चाहिए. एक बार लॉजिक समझ में आ गया फिर आप अपने आप कर लोगे. क्या ये चीज क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को. राइट वेरी गुड. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका. ओह आज मैं चार्जर उठाना भूल गई, एक सेकेंड रुको, मैं बस चार्जर कनेक्ट कर लेती हूँ लैपटॉप का. ठीक है जस्ट वेट फॉर वन मिनट. चलिए सॉरी फॉर दिस. हाँ फोर पे वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप रीड भी यूज कर सकते हो, रीड लाइंस भी यूज कर सकते हो. रीड लाइंस पता है कब यूज करना, जब आपको लाइन के अंदर वर्ड देखने हैं, मीन्स हर एक लाइन में यू कितने आ रहे हैं. अगर सिर्फ पूरा मुझे यू काउंट करना होता तो रीड के साथ स्प्लिट बेटर रहता. हाँ अगर एंड का यूज नहीं करोगे, सपोज ये मैंने एंड आर्ग्यूमेंट हटा दिया तो यहाँ पर आपका नहीं एक्स्ट्रा लाइन सी आ रही है जो मेरी फाइल में भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लग रहा दिखने में. ठीक है अच्छा तो छोड़ो, पर मेरी फाइल में ही भी नहीं है तो एंड में एक एक्स्ट्रा लाइन क्यों आए, इसलिए हम ये चीज लगाते हैं. राइट चलिए अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, अल्फा डॉट टीएक्सटी का काम खत्म. अब आप नेक्स्ट देखो, राइट अ फंक्शन वोवल काउंट इन पाइथन दैट
counts and display the number of vowels in the text file named poem.txt. ठीक है, दैट मीन्स पोएम डॉट टी एक्स टी में आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स काउंट करने हैं. अब देखिए सर एक बार पोएम्स डॉट टी एक्स टी फाइल है या नहीं, अदरवाइज वी विल क्रिएट दैट. नहीं है, कोई नहीं, अल्फा डॉट टी एक्स टी में ही हम अपना क्या कर लेते हैं. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि काउंट और डिस्प्ले कराने हैं टोटल नंबर ऑफ वोवल्स कि कितने हैं. अब देखो वोवल्स आपके कैरेक्टर्स हैं, ए ई आई ओ यू, तो दैट मींस सिंपल रीड फंक्शन के थ्रू हो जाएगा. ये आपका क्या है, वोवल काउंट नेम से मैंने फंक्शन बनाया, उसके बाद में फाइल में फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डेटा को रीड कर लेंगे. ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि एक कैरेक्टर देखना है ना वो पूरा. अगर देखो मैं सिंपल प्रिंट करा दूं इस डेटा वेरिएबल को, राइट, इसको एग्जीक्यूट किया, यही मेरे पास आ रहा है. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको फंक्शन कॉल को मैं इसको कमेंट कर देती हूँ. ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है कि एक कैरेक्टर चाहिए, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर फोर लूप लगा लूंगी. जैसे मैं फोर लूप लगाऊंगी ना अपने इस डेटा वेरिएबल पर, तो ध्यान से देखना मुझे क्या मिल रहा है, एक एक कैरेक्टर मिल रहा है. ये देखो एक एक कैरेक्टर सेपरेट हो गया. अब मुझे बस कुछ नहीं करना, देखने कि वो वॉवल है या नहीं है. कंडीशन किस में आएगी, इफ में आएगी, इफ आई, दैट मीन्स जो कैरेक्टर आया मेरे पास कहीं वो वॉवल तो नहीं है. ठीक है, स्मॉल ए ई आई ओ यू ऐसे लिख दिया मैंने, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इफ आई डॉट लोअर इन ए ई आई ओ यू, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, तो पहले मैं प्रिंट करा लूं, फिर काउंट भी हो जाएगा वो इजीली. अगर ये सिर्फ वॉवल्स प्रिंट कर रहा है, हाँ देखो सिर्फ वॉवल्स प्रिंट कर रहा है, उसके अलावा तो कुछ नहीं प्रिंट कर रहा, सो दैट मीन्स अब मेरा काम हो चुका. अब जब भी मुझे कोई भी चीज काउंट करनी हो बच्चों, एक वेरिएबल लेना, इनिशियलाइज कर दो जीरो से, जहां पर कंडीशन ट्रू है उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ वन. अब आउटसाइड द फोर लूप मैं डिस्प्ले करा रही हूँ नंबर ऑफ वॉवल्स, कितने वॉवल्स है मेरे पास, किस वेरिएबल में है, काउंट वेरिएबल. अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, सो नाउ यू कैन सी कि मैंने अपने फाइल में टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट कर दिए हैं. इज इट क्लियर बच्चों, हाँ, रीड करके फिर फोर लूप चला देंगे, राइट. बच्चों बायो वालों के लिए वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड, आप चेक कर सकते हो, वी इक्वल्स टू ए आई ओ यू नहीं लगाओगे. ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट है मेरे पास डिफरेंशिएट बिटवीन आर प्लस एंड डब्ल्यू प्लस फाइल मोड. देखो आर प्लस का मतलब है इसका मेन काम रीडिंग है, इसका मेन काम राइटिंग है. ठीक है, बाकी अगर मैं बेसिक ऑपरेशन की बात करूं तो दोनों ही मोड में आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो. आर प्लस मोड में पहले रीड करोगे फिर राइट करोगे, डब्ल्यू प्लस मोड में जैसे ही आप फाइल को ओपन करोगे आपकी फाइल ब्लैंक हो जाएगी, इसलिए पहले मैं इसमें अपना डेटा राइट करूंगी और फिर मैं अपना डेटा रीड करूंगी. दोनों ही केसेस में आपका जो पॉइंटर है दैट विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. आर प्लस के केस में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आपको एरर देगा, डब्ल्यू प्लस के केस में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो आपकी न्यू फाइल को क्रिएट करेगा. इफ द फाइल एग्जिस्ट तो ये आपके कंटेंट को रीड कर लेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आपका जो पिछला डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा.
क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास हाउ आर टेक्स्ट फाइल्स डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी फाइल। लिख लोगे ये भी, जो आपके टेक्स्ट फाइल्स हैं वो आपका स्काई कैरेक्टर्स में फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, बाइनरी फाइल्स में आपकी ऑडियो फाइल्स, इमेज फाइल्स, वीडियो फाइल्स ये सब स्टोर रहता है। टेक्स्ट फाइल में आपका ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विद द एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। और अगर मैं बाइनरी फाइल की बात करूं, यहाँ पर मेरे पास कोई भी डिलिमिटर नहीं होता। टेक्स्ट फाइल आपकी नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, तो अब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में तो ये आपकी सिक्योर नहीं होंगी, ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पीड भी स्लो हो जाएगी। वेरेज जो आपकी बाइनरी फाइल है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्या, 011 के फॉर्म में आपको नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है, बिकॉज दीज आर इन मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। टेक्स्ट फाइल्स है स्लोअर देन बाइनरी फाइल्स, क्या रीजन है स्लो है ये, बिकॉज यहाँ पर मुझे ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। कौन से ट्रांसलेशन, मैं इसको कन्वर्ट करूंगी बाइनरी लैंग्वेज में सो देट माई कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट। वेरेज आपकी बाइनरी फाइल्स है वो फास्टर और ईजियर है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट फाइल। क्यों फास्टर है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ता। टेक्स्ट फाइल के एक्सटेंशन .dat और बाइनरी फाइल के एक्सटेंशन .dat। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स इन पाइथन क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एंड ओवरराइट द कंटेंट इफ द फाइल एग्जिस्ट। तो ओवरराइट का काम मेरा कौन सा मोड करेगा, W, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, दैट इज W। हाँ, बाइनरी फाइल में आपको कन्वर्जन नहीं करना पड़ता, बिकॉज वो ऑलरेडी बाइनरी लैंग्वेज में। द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ टेल फंक्शन, टेल फंक्शन का मेन काम क्या होता है, आपका पॉइंटर करंटली किस पोजिशन पर है, किस लोकेशन पर है, वो मुझे बताता है उसकी पोजिशन। तो अगर मैं नॉर्मल देखूँ तो एफ डॉट टेल हम लिखते हैं, दैट मीन्स फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल फंक्शन लगा देते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल, दैट इज ऑप्शन B। नेक्स्ट देखिए आप लोग assertion रीजनिंग में, assertion स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, रीड लाइन्स फंक्शन, इट रीड्स ऑल द लाइन्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है, रीड करेगा सारी लाइन्स को, एंड रिटर्न द लाइन्स अलॉन्ग विद न्यू लाइन एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। रीड लाइन कैन रीड द एंटायर टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी लूपिंग स्टेटमेंट, क्या वहां पर मुझे कोई लूपिंग स्टेटमेंट यूज नहीं करने पड़ती, ठीक है। सो बताओ जरा मुझे यहाँ पर क्या आंसर आएगा assertion रीजनिंग वाले में। Assertion तो ट्रू है इसमें, ठीक है, राइट, assertion ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रीजन क्या कह रहा है कि रीड लाइन कैन रीड द एंटायर टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन विदाउट यूजिंग एनी लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मैं लूपिंग स्टेटमेंट यूज नहीं कर रही तो एक टाइम पर एक ही लाइन रीड कर रहा है। अगर मुझे सारी की सारी टेक्स्ट फाइल को लाइन बाय लाइन रीड कराना है रीड लाइन के थ्रू, तो मुझे वहां पर लूप यूज करना पड़ेगा। assertion फॉल्स नहीं है बच्चा, assertion तो ट्रू है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखो क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन इन पाइथन दैट डिस्प्लेज द बुक नेम्स हैविंग वाई या तो कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई इन देयर नेम फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल बुक नेम डॉट txt, राइट। क्लियर हुआ, रीड लाइन्स तो लिस्ट में रिटर्न करता है ना, यस वंदन देव, लिस्ट रीड लाइन्स आपका लिस्ट में के फॉर्म में रिटर्न करेगा। इसने लिखा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मतलब ये लिस्ट के फॉर्म में, और एक लाइन मेरी एक स्ट्रिंग के फॉर्म में भी तो होती है। हाँ बच्चों assertion ट्रू है, assertion क्या कह रहे, इट रीड ऑल द लाइन्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, सारी की सारी लाइन्स रीड करेगा, एंड रिटर्न द लाइन्स अलॉन्ग विद न्यू लाइन एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल देखो, यहीं पर आपको बता देती हूँ। फाइल को मैंने ओपन किया alpha.txt, बाई डिफॉल्ट रीड मोड है, यहाँ एक वेरिएबल लिया f.readlines फंक्शन लगाया और इस वेरिएबल को मैंने प्रिंट करा दिया। देखो वैसे तो इसकी रिटर्न टाइप आप देखोगे तो लिस्ट ही होगी, टाइप ऑफ
lines, right? चलिए अब देखो, है तो वो लिस्ट ही, बट क्या ये मेरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स नहीं है? लिस्ट की फॉर्म में है, बट एक एक लाइन जो है मेरे पास एक एक स्ट्रिंग है. मीन्स मेरी फर्स्ट लाइन मेरे लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है, मेरी फाइल की सेकंड लाइन मेरे लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट है, मेरी फाइल की थर्ड लाइन मेरे लिस्ट का थर्ड एलिमेंट है. अब ये विद इन कोट्स है, एक एक लाइन मेरी कोट्स के अंदर आ रही है, तो दैट मीन्स आपकी स्ट्रिंग के फॉर्म में है. ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ही तो हो गया ना, और ये साथ में बैक स्लैशन दे रहा है मुझे, ठीक है? एक्स्ट्रा वाला नहीं दे रहा ये बैक स्लैशन, नॉर्मल जो आपने एंटर प्रेस किया लाइन के बाद वो है ये बैक स्लैशन. अब एजर्शन पढ़ो, रीड लाइन्स, रीड ऑल द लाइन्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल्स, टेक्स्ट फाइल से सारी लाइन्स रीड कर ले, एंड रिटर्न्स द लाइन्स अलोंग विद न्यू लाइन. ये लाइन्स रिटर्न कर रहा है अलोंग विद न्यू लाइन, विद न्यू लाइन एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ही तो है बच्चे, क्लियर हो गया? चलिए, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को यहां तक? वेरी गुड. अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर. हाँ, राइट अ फंक्शन इन पाइथन दैट डिस्प्लेस द बुक नेम्स हैविंग कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इन देयर नेम फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल बुक नेम डॉट टीएक्सटी. अब आप लोगों के पास बुक नेम डॉट टीएक्सटी वाली फाइल से डेटा रीड करना है, और उसमें ये देखना है कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जो किसी बुक के नेम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे. ये बुक नेम डॉट टीएक्सटी फाइल है. अब लाइंस की भी बात हो रही है ना, तो दैट मीन्स रीड लाइंस फंक्शन लगा दूं, रीड लाइन के थ्रू भी हो जाएगा, ठीक है ना? ये एक एक लाइन को रीड करना है, फिर मुझे देखना है कि उस वाली फाइल बुक में वाई आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर कैपिटल वाई या स्मॉल वाई आ रहे हैं तो मुझे क्या करना है, उसको डिस्प्ले कराना है. ऑन द रोड में वाई नहीं आ रहा तो ये लाइन आपकी आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगी. क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए, नाउ विल एग्जीक्यूट दिस. चलिए, सो ये क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, ठीक है? और अगर मैं यहां से तुम्हारी बुक नेम डॉट टीएक्सटी फाइल देखूं तो ये आपकी बुक नेम डॉट टीएक्सटी फाइल है, ठीक है? और ये वही सेम कंटेंट लिखा हुआ है फाइल में जो आप लोगों की क्वेश्चन में गिवन है, राइट? चलिए, फंक्शन का नेम नहीं गिवन तो आपकी चॉइस है. अब मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा डिस्प्ले बुक नेम से मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, फिर मैंने अपनी फाइल को ओपन किया. फाइल का नेम क्या है मेरे पास, बुक नेम डॉट टीएक्सटी, और फाइल को ओपन करोगे रीड मोड में, राइट? अब उसके बाद क्या है मेरे पास, डेटा एक एक लाइंस की फॉर्म में है ना, मीन सारी लाइंस की फॉर्म में रीड कर लूं. तो मैंने लाइंस वेरिएबल लिया, फिर मैंने एफ डॉट रीड लाइंस फंक्शन के थ्रू सारा का सारा डेटा रीड कर लिया. फिर मैंने क्या किया, इस पर फोर लूप लगाया. अब जरा इस एक एक लाइन को प्रिंट कराओ कि इतना प्रोग्राम सही चल रहा है. अगर सही चल रहा है तो मैं आगे इजीली कर सकती हूँ, राइट? सो देखो, ये चीज हो गई. अब देखो, लाइंस कोई वर्ड तो मुझे देखना नहीं है, तो दैट मीन स्प्लिट फंक्शन नहीं लगाना. कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सिर्फ ये देखना है कि इस बुक में वाई आ रहा है या नहीं आ रहा. ये लाइन वेरिएबल में मेरे पास पहले ये स्ट्रिंग की फॉर्म में आया, तो मैं ऐसे चेक कर सकती हूँ कंडीशन लगा करके, इफ या तो कैपिटल वाई इन लाइन और स्मॉल वाई इन लाइन, कि या तो कैपिटल वाई है या फिर स्मॉल वाई है, तो मैं उस लाइन को क्या करा रही हूँ, डिस्प्ले करा रही हूँ, राइट? तो नाउ सी हियर,
जिस जिस लाइन में आपका वाई आ रहा है वो लाइंस मेरी क्या हो गई है, डिस्प्ले हो गई। क्या ये चीज क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? इज इट क्लियर बेटा? हाँ, मोड यहाँ पर आप लिखोगे राइट मोड, नहीं भी लिखोगे बाय डिफॉल्ट, सॉरी राइट नहीं रीड मोड, नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका रीड मोड होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, डेटा सिर्फ सर्च करना है। फाइल में डेटा राइट नहीं करा रहे, सिर्फ मैं सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करा रही हूँ, डेटा रीड कर रही हूँ, तो डेटा रीड कर रहे हैं तो दैट मीन्स रीड मोड यूज होगा। क्लियर हुआ क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? चलिए, नेस्टेड फॉर लूप की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्प्लिट नहीं लिखोगे। चलिए, हाँ फंक्शन डिफाइन करोगे बच्चे, क्वेश्चन में मेंशन है राइट अ फंक्शन इन पाइथन, तो दैट मींस आपने फंक्शन के थ्रू ही इसको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम। अब है मेरे पास राइट अ फंक्शन आर ए वी स्ट्रिंग, दैट मींस फंक्शन का नेम अब मुझे गिवन है रिवर्स स्ट्रिंग, टू रीड अ टेक्स्ट फाइल इनपुट डॉट टी एक्स टी, इनपुट डॉट टी एक्स टी फाइल मेरी बनी हुई है, ठीक है, एंड प्रिंट द वर्ड्स स्टार्टिंग विद ओ इन रिवर्स ऑर्डर, जो आपके ओ से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड्स उनको मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। द रेस्ट ऑफ द कंटेंट इज डिस्प्लेड नॉर्मली, जो यू ओ से स्टार्ट नहीं हो रहे वो एज इट इज डिस्प्ले होंगे, राइट। अगेन वर्ड्स की बात हो रही है तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका स्प्लिट फंक्शन यूज होगा, ठीक है। इसमें मैं अपने डेटा को डायरेक्टली रीड करके स्प्लिट लगा सकती हूँ, इतने हम कॉपी पेस्ट करते हैं, इतना आप जरा अपना लॉजिक सोचो। ये आपकी इनपुट डॉट टीएक्सटी वाली फाइल है, राइट। तो आपका आउटपुट इसमें देखो कौन कौन से वर्ड्स आपके ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ओपन और एक ऑपरेटिंग, तो ये दोनों आपके किस में डिस्प्ले हो जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में, राइट। फंक्शन का नेम मुझे गिवन है रिवर्स स्ट्रिंग। क्लियर हुआ? अब यहां पर मैं फंक्शन डिफाइन कर दूंगी, फंक्शन का नेम मैंने लिखा आर ई वी एस टी आर आई एन जी। फाइल को ओपन करोगे, फाइल का नेम है मेरे पास इनपुट डॉट टी एक्स टी, यहां पर मोड नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो, ठीक है। चलिए, अब मुझे यहां से क्या करना है, डेटा को रीड करोगे, ठीक है। नो डाउट बच्चों, ये रीड लाइंस के थ्रू भी या रीड लाइन के थ्रू भी हो सकता है। चलो, अब मैंने एक सिंपल वेरिएबल लिया वर्ड्स नेम से और इसको मैंने स्प्लिट करा दिया, क्योंकि मुझे एक पता है कि मुझे ओ देखना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वर्ड देखना है कि जो ओ से स्टार्ट हो रहा हो, तो अब मैंने इसको क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, फाइल को क्लोज कर दिया और इस रिवर्स स्ट्रिंग वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करो जरा, क्या आ रहा है मेरे पास, लिस्ट के फॉर्म में डेटा आ गया, ठीक है, प्लस मेरे को एक एक वर्ड भी मिल गया। अब इस लिस्ट पर मैं फोर लूप लगा दूं, फोर वर्ड इन वर्ड्स, इस वर्ड्स वाले लिस्ट पर जब मैं फोर लूप लगाऊंगी तो ध्यान से देखो मेरे पास क्या क्या आएगा, एक एक वर्ड आ गया, ठीक है। अब क्या देखना है मुझे, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है कि वो ओ से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स जीरो इंडेक्स, इफ वर्ड ऑफ जीरो डबल इक्वल्स टू किससे स्टार्ट हो रहा हूं, कैपिटल ओ से, अगर ऐसा है
तो मैं उसको रिवर्स प्रिंट करा दूं, रिवर्स के लिए मैं कॉलन कॉलन माइनस वन लिख दूं। अब एक चीज देखना यहाँ पर, फिर मैंने एल्स पार्ट में प्रिंट वो वर्ड एज इट इज प्रिंट करा दिया। अगर वो ओ से स्टार्ट हो रहा है तो रिवर्स कर दिया, अदरवाइज एज इट इज प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो मेरे पास जो डेटा था ना वो लिस्ट के फॉर्म में था। ठीक है, अब ये रिवर्स हो गया जो ओ से स्टार्ट हो रहे थे, बट मुझे आंसर इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, उसी के आगे चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर एंड आर्ग्यूमेंट में एक स्पेस दे दूंगी। राइट, सो अब ये आपका इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है सभी स्टूडेंट को? हाँ, स्टार्ट्स विद ओ लगा सकते हो। क्लियर हो गया? चलो क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। वेरी गुड, नाउ नेक्स्ट देखो। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्प्लिट कब कब करना है बच्चे, अभी बताया स्टार्टिंग में, जब भी मेरे क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड हो। अब ये आपका वर्ड से रिलेटेड था ना, कि मुझे जो वर्ड ओ से स्टार्ट हो रहा है उसको रिवर्स करना है, यू काउंट करना है। राइट, जो वर्ड से रिलेटेड हो वहां पर आपका स्प्लिट फंक्शन यूज होगा, क्योंकि स्प्लिट फंक्शन ही है जो मुझे अपने जो मेरा डेटा है टेक्स्ट फाइल में वो वर्ड्स के फॉर्मेट में देता है। हाँ, स्मॉल ओ भी हो सकता है आप, एक्चुअली में मैंने कैपिटल ओ क्यों लिख दिया, क्योंकि जो सैंपल फाइल मुझे गिवन थी ना इनपुट डॉट टीएक्सटी, तो यहाँ पर आपका सिर्फ कैपिटल ओ था, इसलिए मैंने उसी अकॉर्डिंग कर दिया। ठीक है, आप स्मॉल ओ भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। नहीं, वैसे क्वेश्चन में देखो प्रिंट द वर्ड स्टार्टिंग विद कैपिटल ओ इन रिवर्स ऑर्डर, तो क्वेश्चन में कैपिटल ओ है तो इसलिए कैपिटल ओ लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, राइट अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड राइट मोड। देखो क्या क्या डिफरेंस है। अपेंड मोड, अगर मेरी फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ये फाइल जो हमारा डेटा एंड ऐड करना है वो फाइल के एंड से ऐड करना स्टार्ट करेगा, वेरस जो आपका डब्ल्यू मोड है ये फाइल पिछले वाले कंटेंट को ओवरराइट कर देगा। राइट, अपेंड मोड आपका ओवरराइट नहीं करता है। नेक्स्ट है मेरे पास, राइट वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सीक एंड टेल फंक्शंस इन फाइल हैंडलिंग। सीक फंक्शन क्या करेगा, आपके फाइल पॉइंटर को मूव करेगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। इसका सिंटेक्स होता है मेरे पास एफ डॉट सीक, कितने बाइट्स मूव करना है, ऑफसेट वैल्यू जिसको बोलते हैं, प्लस रेफरेंस पॉइंट 012 कहाँ से मूव करना है। राइट, टेल फंक्शन क्या करेगा, मुझे मेरे पॉइंटर करंट लोकेशन बताएगा कि मेरा पॉइंटर कहाँ पर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड कीप्स द फाइल ऑफसेट पोजीशन एट द एंड ऑफ द फाइल। एंड में किसके किस में होती है आपकी, अपेंड मोड में। द सिंटेक्स ऑफ सीक फंक्शन, सीक फंक्शन का सिंटेक्स है मेरे पास फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट और रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट, अगर नहीं मेंशन तो कहां से मूव करता है वो, बिगिनिंग से, दैट मीन्स जीरो। चलिए अब आप अपना क्वेश्चन देखो, प्रोग्रामेटिकल बेस्ड है क्वेश्चन। राइट द डेफिनेशन ऑफ अ पाइथन फंक्शन नेम्ड लॉन्ग लाइंस, इस नेम से फंक्शन डिफाइन करना है। विच रीड द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल नेम्ड लाइंस डॉट टीएक्सटी फाइल से डेटा रीड करना है। एंड डिस्प्लेस दोज लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल विच हैव एटलीस्ट 10 वर्ड्स इन इट। लाइंस रीड करनी है तो दैट मीन्स मैं अपना रीड लाइंस फंक्शन लगा लूंगी। उसके बाद आपने देखना है डिस्प्ले दोज लाइंस फ्रॉम द फाइल विच हैव एटलीस्ट 10 वर्ड। अब वर्ड्स की बात हो गई है ना, जिसमें एटलीस्ट 10 वर्ड्स हो, तो दैट मीन्स मैं अपना स्प्लिट फंक्शन भी लगा दूंगी। राइट, अभी आपको कंटेंट गिवन है लाइंस डॉट टीएक्सटी वाली फाइल में। यस, सर्च रिसर्च बताओ। ठीक है, ये मुझे इसमें गिवन है,
अब किसमें एटलीस्ट 10 वर्ड्स, एटलीस्ट 10 मीन्स 10 या फिर 10 से ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाली लाइन आएगी, ठीक है, और एक ये वाली लाइन आएगी, राइट। चलिए अब इसको करें एग्जीक्यूट। अपेंड और राइट में सेकेंड डिफरेंस, आप पॉइंटर पोजीशन लिख सकते हो। राइट मोड में आपका जो पॉइंटर है बिगनिंग पर होगा, अपेंड मोड में जब फाइल ओपन करोगे तो आपका पॉइंटर एंड पे होगा। चलिए सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। लाइन्स डॉट टीएक्सटी फाइल है ना, ये ऑलरेडी हमारी क्रिएटेड है, ग्रेटर देन 10 नहीं बच्चे, एटलीस्ट 10 लिखा ना, तो इक्वालिटी की कंडीशन भी लगाओगे। फंक्शन का नेम गिवन है मुझे लॉन्ग लाइन्स, ठीक है। फाइल को ओपन करोगे, फाइल का नेम है आई थिंक लाइन्स डॉट टीएक्सटी, राइट। अब मुझे क्या करना है, सारी की सारी लाइन्स रीड करनी है, तो मैंने एक लाइन्स नेम से वेरिएबल लिया और यहाँ पर मैंने अपना रीड लाइन्स फंक्शन लगा दिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, फोर एक एक लाइन ले लूं, अब जरा इसको प्रिंट कराऊं, ठीक है, लाइन्स आ गई मेरे पास। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको स्प्लिट कर दूं, ऐसे तो मुझे नहीं पता लगेगा कि 10 वर्ड्स हैं या नहीं है। वर्ड्स के लिए मुझे यहाँ पर इस लाइन वेरिएबल को स्प्लिट करना ही पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, स्प्लिट। तो अगर आप यहाँ पर इस वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हो तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, ये लिस्ट की फॉर्म में आ गया ना। अब मैं क्या करूंगी, इस लिस्ट के लेंथ काउंट कर लूं तो मुझे पता लग जाएगा कि उसमें एटलीस्ट 10 वर्ड्स हैं या नहीं है। इफ लेंथ ऑफ वर्ड, ये जो हमारे पास लिस्ट आई है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है, तो मैं अपनी लाइन को क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। प्लस साथ में आप ये एंड आर्ग्यूमेंट और लगा दो। चलिए अब क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन, इज इट क्लियर नाउ बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, रीड लाइन्स फंक्शन के थ्रू डेटा रीड कर लिया, ठीक है, सारी लाइन्स आ गई लिस्ट के फॉर्म में। फिर मैंने फॉर लूप लगाया, एक एक लाइन आ गई, फिर वो जो मेरे पास एक लाइन आई है उसको मैंने स्प्लिट कर दिया, मेरे पास उस लाइन के वर्ड्स आ गए। अब मैं वो वर्ड्स काउंट कर रही हूँ, अगर उसकी लेंथ 10 है या उससे ज्यादा है तो दैट मीन्स मुझे उसको क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। क्लियर? हाँ डेफिनेटली नेहा, कि आप स्प्लिट फंक्शन को बिफोर लूप यूज कर रहे हो या आफ्टर लूप यूज कर रहे हो, आपको डिफरेंस उसमें मिलेगा। चलिए काउंट फंक्शन से नहीं होगा बच्चे, बिना स्प्लिट के करें तो होगा, आप कोड शेयर करो फिर हम देखेंगे बिना स्प्लिट के कैसे किया।
बहुत लंबा लॉजिक जाएगा। चलिए नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने राइट अ फंक्शन काउंट डी वर्ड्स। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करना है काउंट डी वर्ड्स वाला इन पाइथन, टू काउंट द वर्ड्स एंडिंग विद अ डिजिट। काउंट द वर्ड्स एंडिंग विद अ डिजिट इन द टेक्स्ट फाइल डिटेल्स डॉट टीएक्सटी। डिटेल्स डॉट टीएक्सटी मेरे पास फाइल है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब वो वर्ड्स जो आपके डिजिट से एंड हो रहे हैं वो मुझे क्या करने, काउंट करके डिस्प्ले कराने, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम कमेंट कर दें। ये मेरा नेक्स्ट है, चलिए क्लियर हो गया। इफ वर्ड माइनस वन डॉट इज डिजिट, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, राइट अ फंक्शन काउंट डी वर्ड्स नेम से फंक्शन डिफाइन करना है, कर लेते हैं। उसके बाद वी हैव टू ओपन द फाइल एंड द नेम ऑफ द फाइल इज डिटेल्स डॉट टीएक्सटी एंड वी हैव टू ओपन दिस फाइल इन रीड मोड। अब मुझे क्या करना है, काउंट द वर्ड्स एंडिंग विद द डिजिट। अब कोई लाइंस की बात तो हो ही नहीं रही है, तो मैं डायरेक्ट अपना रीड फंक्शन लगा दूं, रीड करके मैं अपना डेटा स्प्लिट कर दूं, ठीक है। अब इस वर्ड्स वेरिएबल को प्रिंट कराओ जरा, तो एज यू कैन सी हियर मेरे पास वो जितनी फाइल में डेटा है ना, वर्ड्स तो आ गए, ठीक है। पता है हम रीड लाइंस के बाद फोर लूप में स्प्लिट कब लगा रहे हैं, सपोज मेरे पास फाइव लाइंस हैं, मुझे पांचों लाइन में से हर एक लाइन का अलग अलग देखने कि किस लाइन में यू आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं रीड लाइंस के थ्रू रीड करके फिर फोर लूप के अंदर स्प्लिट करूंगी। यहाँ मुझे ऐसा नहीं पूछा है कि भाई हर एक लाइन में कितने वर्ड्स एंड हो रहे हैं डिजिट से, कलेक्टिवली पूछा है। तो अपना डेटा रीड करा, वर्ड्स के बेसिस पर है, स्प्लिट फंक्शन लगा दिया, अब ये मेरे पास आ गया। अब इस लिस्ट पर मैं फोर लूप लगा दूं, एक एक वर्ड आ जाएगा मेरे पास, फोर वर्ड इन वर्ड्स, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी बच्चों, तो मेरे पास एक एक वर्ड आ जाएगा, आ गया। अब मुझे देखना है कि डिजिट सेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, देखो टू काउंट द वर्ड्स एंडिंग विद अ डिजिट। अब ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है ना, तो वर्ड्स तो मेरे पास आ गए एक एक करके, एंड कैसे पता लगाऊंगी, माइनस वन इंडेक्स कर दूंगी, डबल इक्वल्स टू सॉरी वर्ड माइनस वन डॉट, अगर वो इज डिजिट है, या फिर आप लिख सकते हो इज डिजिट इक्वल्स टू ट्रू, दोनों करेक्ट है। तो मैं उसको क्या, पहले प्रिंट करा करके देखते हैं, फिर हम काउंट करा लेंगे। अगर उसने प्रिंट सही कर दिया तो काउंट भी सही करेगा, ठीक है। तो इसने फोर वर्ड्स प्रिंट कर दिए जो आपके डिजिट से एंड हो रहे हैं, और ये चारों वर्ड्स आपके डिजिट से एंड हो रहे हैं। अब मुझे वर्ड्स नहीं डिस्प्ले कराने, काउंट करना है। तो जब भी बच्चों कुछ भी काउंट करना हो, एक वेरिएबल लो, इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, और यहां पर मैंने उसको प्लस वन से इंक्रीमेंट कर दिया, राइट। अब मुझे डिस्प्ले कराना है नंबर ऑफ वर्ड्स एंडिंग विद अ डिजिट आर। अब मैं इसको यहां पर डिस्प्ले करा दूंगी किस वेरिएबल की वैल्यू, काउंट वेरिएबल की, ठीक है। सो मेरे पास आ गया नंबर ऑफ वर्ड्स एंडिंग विद अ डिजिट आर फोर। सो मेरे पास टोटल फोर वर्ड्स हैं जो डिजिट से एंड हो रहे हैं। क्या ये चीज सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? हाँ, डॉट एंड्स विद फिर डॉट इज इट डिजिट। सीबीएसई बोर्ड में किसी भी कोडिंग या पाइथन बेस्ड क्वेश्चन को जब हम कोडिंग लैंग्वेज में आंसर करें तो हमें कोड कर्सिव में, दैट इज अपनी हैंड राइटिंग में ही लिखना है या टाइप राइटर में? कितने टैलेंटेड हो ना, आपको कर्सिव राइटिंग भी आती है, टाइप राइटर भी आती है। या हम बैठे हैं ना, कर्सिव आती है ना टाइप राइटर आती है, सिर्फ टाइप करना आता है। किसी भी हैंड राइटिंग में लिख दीजिए, बस वो सामने वाले के लिए अंडरस्टैंडेबल हो।
चलिए। ओके प्रिंस, शेयर योर कोड। यस विशु गुप्ता, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलिए नाउ नेक्स्ट देखो, राइट वन डिफरेंस बिटवीन सीएसवी एंड टेक्स्ट फाइल। सीएसवी और टेक्स्ट फाइल में आपने क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। तो सीएसवी फाइल से आपकी स्प्रेडशीट, बेसिकली स्प्रेडशीट या डेटाबेस टाइप पर्पस के लिए यूज होती है, इसके लिए मुझे सीएसवी मॉड्यूल इम्पोर्ट कराना पड़ता है। टेक्स्ट फाइल को हम अपने टेक्स्ट एडिटर में देखते हैं, उसके लिए मेरे पास कोई भी स्पेसिफिक मॉड्यूल इम्पोर्ट नहीं कराना पड़ता। एक्सटेंशन लिख सकते हो, डॉट सीएसवी एक्सटेंशन होती है, टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी होती है, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू क्लोज अ फाइल बिफोर एग्जिटिंग। अभी तुम लोग पूछ रहे थे ना क्या फाइल को क्लोज करना जरूरी है, फाइल को क्लोज करना जरूरी है। सो क्वेश्चन क्या, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू क्लोज अ फाइल बिफोर एग्जिटिंग, एग्जिट करने से पहले फाइल को क्लोज करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो वो इसलिए क्लोज करना जरूरी है सो दैट कोई भी हमारे पास बफर में इंटरमीडिएट अनरिटन डेटा हो या अनसेव्ड डेटा हो तो वो फाइल क्लोज करने से पहले अपने आप फाइल में राइट हो जाता है। चलिए नाउ सी दिस क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन चेंज जेंडर। चेंज जेंडर नेम से फंक्शन डिफाइन करना इन पाइथन विच रीड्स द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल बायोपिक डॉट टीएक्सटी, राइट, एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल विद एवरी अकरेंस ऑफ द वर्ड ही रिप्लेस्ड बाय शी। जहां जहां पर ही आ रहा है वहां वहां पर क्या आ जाए, शी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंटेंट ऑफ फाइल बायोपिक डॉट टीएक्सटी में ये वाला कंटेंट है, लास्ट टाइम ही वेंट टू आगरा, देयर वाज टू मच क्राउड व्हिच ही डिड नॉट लाइक, so this time he decided to visit some hill station. The function should read the following content and display the output as, last time she went to Agra, there was too much crowd which she did not like, so this time she decided to visit some hill station. अच्छा एक बात और बताओ, इसमें कोई ऐसा वर्ड ढूंढना बच्चों जिसमें h e आ रहा हो, जैसे ये ही तो सेपरेट हो गया ना। हाँ जैसे देयर वर्ड है, ये देखो इसमें भी ही आ रहा है बट यहाँ नहीं रिप्लेस हुआ, ठीक है। हाँ रिप्लेस फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। चलो ये हमारा है क्वेश्चन, चलिए ये हो गया हमारा। अब इसमें मुझे आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए, जहां जहां पर हमारे पास ही है वहां वहां पर क्या हो जाए, शी हो जाए, ठीक है। तो चेंज जेंडर नेम से मुझे फंक्शन को डिफाइन करना। मोस्टली आपको ना एग्जाम में फंक्शन का नेम, फाइल का नेम सब कुछ गिवन होगा, ठीक है। और मेरे पास ये फाइल ऑलरेडी है बायोपिक डॉट टीएक्सटी नेम से। ये फंक्शन डिफाइन करना है, उसके बाद मैंने अपनी फाइल को ओपन किया, फाइल का नेम है मेरे पास बायोपिक डॉट टीएक्सटी। बाय डिफॉल्ट आपका रीड मोड है, ठीक है। अब क्या है, डेटा पर एक बार सारा का सारा डेटा रीड करके दिखा दें आपको अपनी फाइल का, और फिर मैं इसको क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ, राइट। और अब मैंने अपनी फाइल को क्या कर दिया, क्लोज, और यहां पर मैंने चेंज जेंडर नेम वाला फंक्शन कॉल किया। अब देखो मेरे पास ये डिस्प्ले हो गया। अब मेरे को आपने बताया कि रिप्लेस फंक्शन लगा दो, देखो जैसे दिव्यांश ने बताया टेक्स्ट डॉट रिप्लेस ही कोमा शी, इसी के लिए मैंने ना ये देयर वर्ड ढूंढा था और अच्छा हुआ इसमें मुझे मिला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल ले लो, चलो टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे आपने बोला डेटा डॉट रिप्लेस कि जहां जहां पर ही है वहां वहां पर शी हो जाए, राइट। और फिर मैं इस टेक्स्ट वाले वेरिएबल को प्रिंट करा रही हूँ, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करो। सो अब आप क्या देख पा रहे हो कि लास्ट टाइम ही वेंट टू आगरा था, शी हो गया, विच शी डिड नॉट लाइक था यहाँ पर भी हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी हो गया,
बट ये देयर भी चेंज हो गया, ध्यान से देखो। टी एच ई आर का तुमने क्या बना दिया, टी एस एच ई आर ई, ये चीज तो मुझे नहीं करनी थी, देयर तो एज इट इज रखना है। सो देखो जहां जहां पर ही और शी वर्ड आ रहा होगा उसके आगे और पीछे स्पेस होगा ना, ही के आगे भी स्पेस है पीछे भी स्पेस है। वही अगर मैं देयर की बात करूं तो देयर के आगे पीछे स्पेस नहीं मिलेगा। सो अगर मुझे पर्टिकुलर वही वर्ड्स चाहिए तो ही से पहले स्पेस दे दो और ही के बाद क्या दे दो, स्पेस दे दो, और सेम आपका रिप्लेस के टाइम। इसको चाहो तो स्प्रेड फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो। हाँ, स्प्रेड फंक्शन के थ्रू भी हो जाएगा शी। अब देखो ये देयर आपका एज इट इज है, राइट, ये भी रिप्लेस हो गया। सो जहां जहां पर आपका ही था वहां वहां पर अब क्या रिप्लेस हो गया मेरा, शी। ठीक है, स्प्लिट के थ्रू भी हो जाएगा बच्चे। इसमें देखो करने के कौन कौन से मेथड्स है मेरे पास, या तो रीड लाइंस के थ्रू डेटा को रीड कर लो, फिर स्प्लिट लगा दो, जहां जहां पर ही है वहां वहां पर शी कर दो, या फिर ये वाला मेथड देखो, डेटा को रीड करा फिर उसको स्प्लिट कर दो। ठीक है, करें मेथड टू, ये हो गया हमारे पास मेथड वन, इसको कर दो कमेंट, और ये हो गया मेरे पास मेथड टू, राइट। डेटा को हमने क्या कर लिया, रीड कर लिया। अब मैं कोई भी एक वेरिएबल लेके अपने इस डेटा को स्प्लिट कर रही हूँ, राइट। अब फोर एक एक वर्ड आ गया मेरे पास इन वर्ड्स, प्रिंट करो जरा, एक एक वर्ड आ रहा है मेरे पास, आ गया। अब मुझे देखना है कि क्या वो वर्ड ही है या नहीं है। अब इसमें स्पेस देने की जरूरत नहीं है, इफ वो जो वर्ड है कि क्या वो ही के इक्वल है, अगर है तो मैं उसकी जगह क्या प्रिंट करा दूं, शी। एल्स पार्ट में मैं वो वर्ड एज इट इज प्रिंट करा दूं, राइट। अभी देखना ये आंसर आपका किस फॉर्म में आ रहा है, मेरे पास तो लिस्ट के फॉर्म में था ना, अभी इस तरीके से आ रहा है, रिप्लेस तो हो गया, शी आ गया। तो अब मैं चाहती हूँ वो नेक्स्ट लाइन में ना जा करके ऐसे आ जाए, बट इससे एक चीज और हो गई कि हमारे पास जो था ना वो लाइंस की गड़बड़ हो गई। लाइंस की गड़बड़ इन द सेंस जिस फॉर्मेट में तुम्हारे को गिवन था वो फॉर्मेट चला गया। क्या नेम है फाइल का, बायोपिक डॉट टीएक्सटी। हमें तो ऐसे गिवन है ना, ये देयर आपका नेक्स्ट लाइन में है, सो नेक्स्ट लाइन में, बट ऐसे तो नहीं आ रहा है। ठीक है, सो आप क्या करो, रीड लाइंस के थ्रू भी कर सकते हो ये वाला मेथड फिलहाल इसकी तरफ से। ठीक है, हाँ, रीड स्प्रेड फंक्शन के थ्रू अगर करना है तो रीड लाइंस के थ्रू डेटा रीड करना इस तरीके से। पहले आप क्या करो, रीड लाइंस के थ्रू डेटा रीड कर लो, राइट। फिर आप क्या करो, फोर एक एक लाइन आ गई मेरे पास इन लाइंस, एक एक लाइन आ गई। अब मैं क्या करूंगी, इसको स्प्लिट कर दो, फोर लाइन इन लाइंस, फिर एक वर्ड नेम से मैंने लिया और फिर इसको मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, लाइन डॉट स्प्लिट। ठीक है, उसके बाद मुझे दोबारा से फोर लूप लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे को एक एक वर्ड चाहिए। ये लेंथी हो गया ना इस मेथड से, अगर वो वर्ड आपका क्या है, ही है, तो मुझे उसको किससे रिप्लेस करना है, शी से। ठीक है, स्प्लिट से हो तो गया, बट ये मेथड मेरे को लेंथी पड़ गया। एल्स वो वर्ड मैं एज इट इज प्रिंट करा दूं, और यहां पर वो आपका जो नेक्स्ट लाइन वाला काम था ना वो ये फोर लूप कर देगा। ठीक है, करें जरा इसको एग्जीक्यूट।
ठीक है, देखो रिप्लेस तो हो गया पर थोड़ा लेंथी पड़ गया ये, आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। हाँ रीड के साथ स्प्रेड करके हो गया ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। रीड के साथ स्प्रेड करोगे ना तो आपका ये जो लाइंस का मिसमैच है ना इसको जरूर चेक करना। चलिए नाउ नेक्स्ट इज, ये रीड के साथ स्प्रेड करके करा ना, ठीक है। चलो इसमें मेरे को वो आउटपुट एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, स्पेशली वो अगर नेक्स्ट लाइन में आ रहा है तो। चलिए नाउ नेक्स्ट इज, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन काउंट लाइन इन पाइथन विच शुड रीड ईच लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल शिवाजी डॉट टीएक्सटी एंड काउंट टोटल नंबर ऑफ लाइन्स प्रेजेंट इन द टेक्स्ट फाइल। ये तो बहुत ईजी है, आपको ये काउंट करना है कि कितने जो है मेरे पास नंबर ऑफ लाइन्स प्रेजेंट है टेक्स्ट फाइल में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर शिवाजी डॉट टी एक्स टी आपकी ये फाइल है तो कितनी लाइन्स है मेरे पास, 3 लाइन्स है, बहुत ईजी है, कर लोगे इसको सिंपली। काउंट टोटल नंबर ऑफ लाइन्स प्रेजेंट इन द टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब यहां पर मुझे फंक्शन का नेम क्या गिवन है, काउंट लाइन। फाइल को ओपन करोगे, फाइल का नेम क्या है, शिवाजी डॉट टी एक्स टी। ठीक है, लाइन्स रीड करनी है ना तो सिंपल कोई भी एक वेरिएबल लो और डेटा को मैं रीड लाइन्स की फॉर्म में, ठीक है, और मैं बजर तुम्हें लाइन्स प्रिंट करके दिखाऊं क्या प्रिंट हो रहा है। तो हमारे पास शिवाजी डॉट टी एक्स टी फाइल में ये डेटा है, ये एक लाइन हो गई, तो जितनी इस लिस्ट की लेंथ होगी उतनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी ना। तो अगर मैं इसकी लेंथ काउंट कर लूं या सिंपल यहीं पर लिख दो लेंथ ऑफ लाइंस, ठीक है, तो मेरे पास कितने आ गया, 3। तो टोटल लाइंस कितनी है, 3। बट क्वेश्चन में बोला कि द फंक्शन शुड रीड द फाइल एंड डिस्प्ले द आउटपुट एज फॉलोस टोटल नंबर ऑफ लाइंस कॉलन, ये भी आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ या फिर आप क्या कर सकते हो बच्चों, एक वेरिएबल लो, सपोज लेंथ नेम से लिया, वहां पर आप इस लाइन वेरिएबल की लेंथ काउंट कर लो और यहां पर आप डिस्प्ले करा दो उस लेंथ वेरिएबल को। तो अब मेरे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 3। क्या ये क्लियर है आप सभी बच्चों को? हाँ वेरी गुड, रीड लाइन्स की लेंथ निकालकर, राइट। चलिए क्लियर हुआ सब स्टूडेंट को, इज इट क्लियर नाउ, बता दो जरा फटाफट से। चलिए वेरी गुड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड आर मोड यूज्ड इन पाइथन व्हाइल ओपनिंग अ फाइल। क्या डिफरेंस है आपका राइट और रीड मोड में? जो आपका राइट मोड है वो आपके कंटेंट को ओवरराइट कर देगा, ठीक है, फाइल में डेटा राइट करने के लिए यूज होता है, और आर मोड आपका फाइल में डेटा रीड करने के लिए यूज होता है। और क्या डिफरेंस लिख सकते हो? अगर मेरी फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो रीड मोड क्या करेगा, फाइल में से डेटा रीड कर लेगा, राइट मोड ओवरराइट करेगा कंटेंट को। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो रीड मोड विल गिव यू एन एरर और राइट मोड विल क्रिएट एन एम्प्टी फाइल, वो एक फाइल को क्रिएट कर लेगा, राइट। हाँ एग्जाम्पल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए थ्योरेटिकल, बच्चों विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ही आप उसको एक्सप्लेन करोगे, राइट। चलिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन शो वर्ड्स इन पाइथन टू रीड द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल नोट्स डॉट टी एक्स टी
एंड डिस्प्ले द इंटायर कंटेंट इन कैपिटल लेटर्स. अगेन इजी, जितना भी कंटेंट है वो आपको सारा का सारा किस में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है. सपोज नोट्स डॉट टीएक्सटी में कंटेंट है दिस इज अ टेस्ट फाइल, और आपको डिस्प्ले कराना है दिस इज अ टेस्ट फाइल, सारा का सारा कंटेंट कैपिटल लेटर में. ठीक है, तो यहां पर हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं. अब आई डोंट नो ये नोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएटेड है या नहीं है. चलिए अगेन सिंपल है, फाइल का नेम है मेरे सॉरी फाइल नहीं, फंक्शन का नेम है शो वर्ड्स, फाइल का नेम है नोट्स डॉट टीएक्सटी. सिंपल मैं डेटा रीड कर लूं रीड फंक्शन के थ्रू, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करा दूं सिंपल डेटा डॉट अपर फंक्शन लगा करके, हो जाएगा. तो नाउ सी हियर, मेरे पास जो भी डेटा था सारा का सारा किस में आ गया, अपर केस में, राइट. राइट लाइन्स से रिलेटेड बच्चे मेरे को पी वाई क्यूज में तो कोई नहीं मिला. ठीक है, बताओ जरा यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, इज इट क्लियर टिल हियर. चलिए कल तो बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल के क्वेश्चंस करेंगे. तुम सेशंस शेयर नहीं करते ना, तो ठीक है, नहीं फिर भी आपको प्रैक्टिस करा देंगे, हो सकता है आ गया तो क्या करोगे फिर. चलो अब सिंपल, अगर स्ट्रिंग राइट करना है ना बच्चे, प्रिंस एफ डॉट राइट करके डेटा फाइल में राइट करा देना. ठीक है, पेपर में आउटपुट शो करना होता है क्या? आउटपुट तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तुम क्या शो करोगे, तुम तो कोड शो कर देना बस. चलिए नाउ नेक्स्ट देखो, राइट अ फंक्शन शो वर्ड्स इन पाइथन टू रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल नोट्स डॉट टीएक्सटी and display only such lines of the file which have exactly five words in them. Display such lines. That means read lines लगा दूंगी. उसके बाद है exactly five words in them. तो that means words की बात है तो read lines लगा करके मैं split लगा दूंगी. ठीक है, ये आपका data है जिस line में exactly five words है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इन दोनों लाइंस में 5 5 वर्ड्स हैं, तो ये दो लाइंस मुझे क्या करानी है, डिस्प्ले करनी है, राइट. बेटा तुम पूछते हो कितने क्वेश्चन है, मुझे खुद नहीं पता कितने क्वेश्चन है, मैं कैसे बताऊं, अभी हैं पड़े काफी, 397 तक हैं, 374th स्लाइड पर हो तुम. चलिए, थैंक यू दिव्यांश, ऐसा जरूर होगा बच्चे. चल
राइट अ फंक्शन, शो वर्ड्स नेम से मुझे फंक्शन को डिफाइन करना। सेटिंग ओपन करिए, देन क्लिक एडिटर। देन जनरल और देन स्मार्ट की, जनरल उसके बाद स्मार्ट की, देन चूज रिफॉर्मेट ब्लॉक इन रिफॉर्मेट इन पेस्ट। एक सेकेंड रुकना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। रीफॉर्मेट ब्लॉक ऐसे करंट रही एक बारी। कहाँ हुआ ये, तो ऐसे प्रिंट हुआ बच्चे। सर्च सर्च ये तो नहीं हुआ ऐसे, ठीक ये ऐसे और प्रिंट हो गया। इसको तो ठीक करने में और टाइम लग जाएगा। चल अब मुझे क्या करना है, रीड द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल नोट्स डॉट टीएक्सटी और उसके बाद डिस्प्ले ओनली सच लाइंस ऑफ द फाइल विच हैव एग्जैक्टली फाइव वर्ड्स। ठीक है, फाइल को ओपन करोगे और फाइल का नेम है मेरे पास नोट्स डॉट टीएक्सटी। मोड लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो स्किप कर दो। ठीक है चलिए बस चल। थैंक यू सर्च रिसर्च, आपने वाकई सर्च किया जैसे आपका नेम है बट वो काम नहीं किया थोड़ा सा। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। ठीक है और फिर भी कोशिश करना, हो सकता है सेकंड ऑप्शन और कहीं मिल जाए और ये ठीक हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइंस इक्वल्स टू आप क्या करोगे, राइट रीड लाइंस फंक्शन लगा दो। ठीक है फिर मैं इसमें फॉर लाइन इन लाइंस पर आ जाऊं। एक एक लाइन आ गई अब मेरे पास। चलिए एक एक लाइन आ गई, अब मुझे देखना है कि हर एक लाइन में क्या करना है। बट नीड विच है ओनली फाइव वर्ड्स, तो दैट मीन्स मैं इसको स्प्लिट कर दूं वो लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, वर्ड्स इक्वल्स टू अपनी लाइन को स्प्लिट कर दिया। तो जब मैं स्प्लिट करा रही हूं तो आप इस वर्ड्स को प्रिंट कराओ जरा, क्या आ रहा है, लिस्ट की फॉर्म में आ गया। अब सिंपल है कि मुझे देखना है जिस लिस्ट की लेंथ फाइव है उसमें एग्जैक्टली फाइव वर्ड्स होंगे, राइट। तो मैंने यहां पर लिखा इफ लेंथ फंक्शन लगाया ऑफ वर्ड्स डबल इक्वल्स टू फाइव, अगर फाइव है तो मैं उस लाइन को क्या करा दूं, डिस्प्ले करा दूं। चलिए क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को, इज इट क्लियर नाउ। मैम दिस वीडियो इज इनफ फॉर जेई स्टूडेंट, जेई वाले क्या कुछ स्पेशल हो कि बिना जेई वालों के लिए ये वीडियो इनफ नहीं होगी, हैं? चलो क्या ये चीज क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, फटाफट से बता दो। अंश वर्मा काफी सारे क्वेश्चंस आपके रीड के थ्रू भी हो जाएंगे, रीड लाइंस के थ्रू भी हो जाएंगे। मैंने वीडियो जब बिल्कुल क्वेश्चन स्टार्ट करे थे, आई थिंक यू हैव जॉइंड लेट, वहां पर बताया था कि कब रीड लगाना कब रीड लाइंस लगाना। ठीक है काफी सारे क्वेश्चंस आपके रीड और रीड लाइंस दोनों के थ्रू भी हो जाएंगे, बट जहां पर बात लाइन्स की आ रही है ना कि जैसे मुझे लाइन्स के अंदर देखने कितने वर्ड्स हैं, तो वहां पर आपको रीड लाइन्स या रीड लाइन ही लगाओगे, राइट। मैम यह स्प्लिट फंक्शन क्यों यूज हुआ, स्प्लिट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जिसमें फाइव वर्ड्स हैं, वर्ड्स आ गया तो स्प्लिट फंक्शन यूज होगा। ठीक है सेकंड थिंग,
जब मेरे पास ये लाइंस की लिस्ट आ गई, सारी लाइंस थी, फिर मैंने फॉर लूप लगाया, एक एक लाइन आ गई। अब उस एक लाइन में मुझे चेक करना है कि मेरे पास 5 वर्ड्स हैं या नहीं है, तो मैंने उस लाइन को स्प्लिट कर दिया स्प्लिट फंक्शन के थ्रू। मेरे पास वर्ड्स आ गए, अब मैं उस लिस्ट की लेंथ काउंट कर लूंगी, अगर 5 है तो दैट मीन्स उसमें मेरे पास क्या है, 5 वर्ड्स है। ये नन पर ही सेट है बेटा हर्षित कुमार। चलो हाँ हर्षित, वो हमारा नन पर ही सेट है पहले से, ठीक है। और कोई मेथड मिले तो बता देना, बहुत कृपा होगी आप बच्चों की हमारे पर, ठीक है। चलिए चलो नाउ नेक्स्ट देखो। विच आर द फॉलोइंग मोड इन फाइल ओपनिंग स्टेटमेंट रिजल्ट्स और जनरेट्स एन एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करी तो आपका कौन सा मोड एरर देगा आपको, आर प्लस मोड। नेक्स्ट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ सीक फंक्शन। सीक फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, हम लोग क्या लिखते हैं, सॉरी फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, इस तरीके से। तो सीक डॉट फाइल ऑब्जेक्ट नहीं होता, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक का तो मेरे को एक ही ऑप्शन है, ऑफसेट और रेफरेंस पॉइंट। चलिए नाउ नेक्स्ट देखो। राइट अ मेथड काउंट लाइंस नेम से फंक्शन डिफाइन करना है टू रीड लाइंस फ्रॉम टेक्स्ट फाइल टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। काउंट एंड डिस्प्ले द लाइंस विच आर नॉट स्टार्टिंग विद एनी वोवल, जो वोवल से स्टार्ट नहीं हो रही। अब दैट मीन स्प्लिट फंक्शन ही लगेगा, वोवल तो आपका कोई वर्ड है नहीं, ठीक है। काउंट एंड डिस्प्ले द लाइंस है ना, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर अपना क्या लगा दूंगी, रीड लाइंस फंक्शन लगा दूंगी। ठीक है, ये आपका कोड हो गया। सारे क्वेश्चंस करेंगे जितने लास्ट ईयर अब तक आ चुके हैं, ठीक है। बस आप हमारा साथ बनाए रखिएगा, हम आपका साथ बनाए रखेंगे, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतना हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इतने तक फटाफट वीडियो को शेयर कर दो। ये माइनस वन, ये डैश लगा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है माइनस वन, इसको मैं इक्वल्स टू कर देती हूँ, ठीक है। चलिए काउंट लाइंस नेम से फंक्शन डिफाइन करना, ये आपका काउंट लाइंस नेम से फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। फाइल का नेम है टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, काउंट एंड डिस्प्ले द लाइन्स विच आर नॉट स्टार्टिंग विद एनी वोवल, ठीक है। सो दैट मीन्स आपकी कौन सी लाइन है जो वोवल से स्टार्ट नहीं हो रही, एक ही है, दिस वन। सिर्फ वी ऑल प्रे फॉर एवरी वन सेफ्टी, राइट, सिर्फ एक ही लाइन है जो वोवल से स्टार्ट नहीं हो रही। तो मैंने क्या करा, एक लाइन्स वेरिएबल लिया, रीड लाइन्स फंक्शन के थ्रू अपना डेटा रीड कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट काम क्या करोगे, जो वोवल से स्टार्ट नहीं हो रही, एक एक लाइन ले लूं पहले इस पर फॉर लूप लगाकर। देखो मैं वेरिएबल नेम्स बिल्कुल मीनिंगफुल ले रही हूँ, जहां पर मैं लाइंस लिख रही हूँ दैट मीन्स सारी लाइंस आ रही हैं आपके पास। अब मैं फॉर लूप लगा रही हूँ तो इस लाइन वेरिएबल में आपके पास एक एक लाइन आएगी, राइट। इसको मैंने क्या कर दिया, अपनी फाइल को क्लोज। दा वाली भी कौन सी है ना, ये तो आपका आउटपुट है, ठीक है बेटा। निर्भय वर्मा, च
चलिए यहाँ पर मेरे पास देखो एक एक लाइन आ गई, ठीक है। अब मुझे देखने कि वो जीरो से सॉरी वॉवल से स्टार्ट है या नहीं है। एक एक लाइन आ गई, अब मैं लिख लेती हूँ इफ लाइन ऑफ जीरो नॉट इन a e i o u, या वो तुम्हारा अपर लोअर फंक्शन लगा सकते हो, ठीक है। देखना जरा ठीक की है ये। हाँ, एक लाइन डिस्प्ले हो गई जो आपके वोवल से स्टार्ट नहीं हो रही। तो अगर आपको आपको लाइन तो नहीं डिस्प्ले करानी है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लाइंस बतानी है। सो दैट मीन्स जब भी मुझे काउंट करना हो, जस्ट टेक एनी वेरिएबल, असाइन इट विद जीरो, जहां पर उसकी कंडीशन ट्रू हो रही है वहां पर हम उसको क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट, राइट। एंड आउटसाइड द फॉर लूप हम उसको प्रिंट करा देंगे। इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं और फिर मैं यहाँ पर इस काउंट वाले वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा। क्या ये चीज क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स को? इज इट क्लियर बच्चों? स्प्लिट करके प्रिंस कैसे होगा? स्प्लिट फंक्शन कहाँ करना? अब यहाँ पर देखो मेरे को कोई वर्ड से रिलेटेड तो कोई काम है ही नहीं। इसमें क्या करना है, डिस्प्ले द लाइंस विच आर नॉट स्टार्टिंग विद एनी वोवल। वोवल आपका सिंपल एक कैरेक्टर है, वर्ड से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही ना। तो यहाँ पर मुझे स्प्लिट फंक्शन बेवजह यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। चलिए नाउ नेक्स्ट देखो बच्चों, राइट अ फंक्शन ईटी काउंट इन पाइथन विच शुड रीड ईच कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट फाइल टेस्ट फाइल 2.txt एंड देन काउंट एंड डिस्प्ले द काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ अल्फाबेट ई एंड टी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग। मीन्स आपको कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल टी स्मॉल टी काउंट करने हैं कि कितने कितनी बार आ रहे हैं, और मुझे क्या करना है, दोनों को अलग अलग डिस्प्ले कराना है कि कैपिटल ई और स्मॉल ई कितनी बार आ रहे हैं और कैपिटल टी और स्मॉल टी कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है। फाइल का ये डेटा है आपके पास, राइट। नॉट स्टार्ट्स विद, मेरे पास कोई फंक्शन नहीं, अंशिका गोयल। हाँ, खुद से यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हो इस नेम से। टेस्ट फाइल 2.txt नहीं है, क्रिएट कर ले। चलो पहले क्वेश्चन पेस्ट कर लें। आई डोंट लाइक दिस, ये जब मुझे बार बार ठीक करना पड़ता है ना। चलिए, ये आपका जो टेस्ट फाइल 2.txt का कंटेंट है। टेक्स्ट फाइल कैसे क्रिएट करोगे, न्यू पर जाकर यहां पर आप फाइल पर चले जाओ, यहां पर लिख लो टेस्ट फाइल 2.txt, राइट। चलिए, अब फंक्शन का नेम है मेरे पास ईटी काउंट। फाइल को ओपन करोगे, फाइल का नेम इज टेस्ट फाइल 2.txt कोमा करके आर मोड, राइट। फाइल में से डेटा रीड कर लेंगे। अब नेक्स्ट मैं क्या करूं, डेटा रीड कर लूं सारा का सारा, ठीक है। अब इस डेटा पर मैं फॉर लूप लगा दूं, एक एक कैरेक्टर चाहिए ना मेरे को। तो अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी ना, मेरे पास देख लो जरा एक एक कैरेक्टर आ रहा है। एक एक कैरेक्टर आ गया ना। अब मुझे देखना है कि कैपिटल ई और स्मॉल ई कौन से हैं। तो अगर वो आई में, इफ आई डबल इक्वल्स टू कैपिटल ई और आई डबल इक्वल्स टू स्मॉल ई,
तो काउंट करना, ये पहले प्रिंट कराकर देखें कि आई सिर्फ वही प्रिंट कर रहा है। हाँ देखो ये सारे के सारे जहां जहां ई आ रहे थे ना वहां वहां प्रिंट कर रहा है, दैट मीन्स ये सही चल रहा है। अब मुझे इसको क्या करना है, काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए मैंने एक लिखा ई सी, ई काउंट करने के लिए जीरो से साइन कर दिया। एक और क्या काउंट करना है, टी, ठीक है, ई सी और टी सी दोनों का मैंने साइन कर दिया जीरो से। तो यहां पर मैं ई काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगी प्लस वन से, और यहां पर मैं सेकंड कंडीशन लगा लूं, एलिफ लगा दूं, आई डबल इक्वल्स टू कैपिटल टी और आई डबल इक्वल्स टू स्मॉल टी, तो मैं टी काउंट को प्लस कर दूंगी वन से, और आउटसाइड द फॉर लूप मैं इसको प्रिंट करा दूंगी। प्रिंट किस फॉर्मेट में कराना है, द नंबर ऑफ कैपिटल और स्मॉल ई। तो यहां पर मैं ई काउंट डिस्प्ले करा दूं और यहां पर मैं टी काउंट डिस्प्ले करा दूं। ठीक है, अब आंसर क्या आ रहा है, 609। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। हाँ ठीक है, तो क्या ये चीज सभी बच्चों को क्लियर हुआ? बेटा हमने सिर्फ क्या करा, डेटा को रीड करा, रीड फंक्शन लगा करके, फिर फॉर लूप लगाएंगे, फिर इस आई वेरिएबल में मेरे पास एक एक कैरेक्टर आएगा, इस एक एक कैरेक्टर को मैं कंपेयर कर रही हूँ कि क्या वो ई या फिर टी के इक्वल है या नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ, नो नीड ऑफ स्प्लिट फंक्शन। इसमें मैंने क्या बताया था, जहां पर वर्ड्स की बात हो, ये ई और टी वर्ड नहीं है, मेरे कैरेक्टर है, राइट? अगर आपको मी माई द दिस ऐसे वर्ड्स काउंट करने होते तो मैं स्प्लिट फंक्शन यूज करती। क्लियर हुआ बच्चों कि स्प्लिट क्यों नहीं यूज किया? ई और टी काउंट करना है ना, क्या ई और टी मेरे वर्ड्स हैं? नहीं, जहां पर वर्ड्स वर्ड लिखा हुआ आ जाए ना बच्चे, वहां पर स्प्लिट फंक्शन यूज करना, उसके अलावा अन्यथा इसको कहीं पर यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हमें क्वेश्चन अगर नहीं आया ना वर्ड्स काउंट करने का, मी माई द दिस, तो मैं खुद से तुम्हें कराऊंगी, ठीक है? फिर पता लग जाएगा कि स्प्लिट आपको अगर वर्ड्स के केस में कैसे यूज करना है। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ईटी काउंट हो गया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ वी ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट एन एरर अकर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कि अगर मैं टेक्स्ट फाइल को रीड कर रही हूँ और फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये मुझे स्टेटमेंट, वो मीन्स वो मुझे एरर देगा, ट्रिप। इफ वी ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट द फाइल गेट्स क्रिएटेड, ये स्टेटमेंट गलत है, फाइल क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ वी ट्राई टू राइट ऑन अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, नो एरर अकर, ट्रू। इफ वी ट्राई टू राइट ऑन अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल गेट्स क्रिएटेड टू, तो ट्रू कौन से नहीं है, बी पार्ट। ये स्प्लिट फंक्शन में बहुत डाउट है। कहाँ डाउट है बच्चे स्प्लिट फंक्शन में, लेक्चर के एंड में सारा डाउट क्लियर करेंगे सिंह, ठीक है? चलिए नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी यूज टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल माई फाइल डॉट टीएक्सटी। आपको क्या करना है, रीड द फर्स्ट लाइन, एक ही लाइन रीड करनी है फर्स्ट वाली, तो दैट मीन्स मैं वहां पर अपना रीड लाइन फंक्शन लगा सकती हूँ, ठीक है? रीड फंक्शन सारा का सारा डेटा रीड करेगा, ये कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स रीड कर देगा, और रीड लाइन सारी लाइन्स रीड कर देगा, ठीक है? Assume that the position of file pointer is at the beginning of the third line in the text file. Which of the following option can be used to read all the remaining lines? My file dot read भी कर देगा. Pointer third position पर read लगा दो, सारी lines read कर देगा. And specific character read line तो एक ही line read करेगा, read lines भी कर देगा. अब read all remaining lines पूछ है ना, तो best जो appropriate answer है that is option 4, read lines. ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज, अ टेक्स्ट फाइल स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइस
Identify the correct option out of the following options to open the file in read mode. Student.txt file है, किस मोड में ओपन करना है? रीड मोड में. तो करेक्ट आंसर बताना है. Student.txt R B लिखा है, ये गलत है. B is for binary file. Write mode गलत हो गया. Student.txt read mode करेक्ट. यहाँ पर मोड नहीं लिखा, ये भी करेक्ट है. तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दैट मीन्स सी पार्ट. यहाँ पर मोड नहीं लिखा तो बच्चों डिफॉल्ट मोड आपका क्या होता है? रीड मोड. क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेल फंक्शन. टेल फंक्शन क्या करेगा? टेल्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर विद इन अ फाइल. ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज सिंटेक्स ऑफ सीक फंक्शन इन पाइथन इज माई फाइल डॉट सीक ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट हो गया. वेयर माई फाइल इज द फाइल ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट? डिफॉल्ट वैल्यू जीरो. दैट मीन्स अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो वो जो सीक फंक्शन आपका कहां से मूव करता है पॉइंटर को? बिगनिंग से. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन और मेथड. सीएसवी मॉड्यूल का क्वेश्चन आ गया ये. चलो कर लेते हैं. सीएसवी मॉड्यूल में मेरे पास रीड फंक्शन नहीं होता. नेक्स्ट देखो, सपोज द कंटेंट ऑफ माई फाइल डॉट टी एक्स टी इज दिस. ठीक है, वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. अब आपको इसका आउटपुट बताना है, राइट? सो ओपन फंक्शन से मैंने फाइल को ओपन कर लिया. मोड नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट मेरे पास रीड मोड है. वो माई फाइल डॉट रीड लाइन्स से सारा डेटा आ गया. रीड लाइन्स से ये आपका लिस्ट के फॉर्म में डेटा है. एक लाइन मेरी एक लिस्ट का एक एलिमेंट है, ऐसे आया होगा. और बैक स्लैश एन भी आया होगा साथ में. ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ? लेंथ ऑफ डेटा काउंट कर रही हूँ. तो रीड लाइन्स में मेरे पास यहाँ पर काउंट कर लो कितनी लाइन्स हैं, फोर. तो मेरे पास जो आंसर है दैट इज फोर. नेक्स्ट है मेरे पास, सपोज द कंटेंट ऑफ माई फाइल डॉट टी एक्स टी इज दिस. ठीक है, मैं डेटा को रीड कर रही हूँ और स्प्लिट कर रही हूँ. स्प्लिट मुझे किसके फॉर्म में आंसर दे देगा? वर्ड्स के फॉर्म में दे देगा. और लेंथ ऑफ रिकॉर्ड दैट मीन्स मैं वर्ड्स काउंट कर रही हूँ. करो जरा कितने वर्ड्स हैं इसमें. और देखो सारी वैल्यूज आसपास हैं. गलती से भी एक आधा वर्ड आगे पीछे किया और आंसर गलत है ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. चेक करो जरा टोटल 26 वर्ड्स है, राइट? सो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 26, राइट? क्लियर हुआ बच्चों को यहां तक? वेरी गुड. मैम कैन यू रिड्यूस द स्लो मोड? ये स्लो मोड सिर्फ ये जब एमसीक्यूज होते हैं तभी बेनिफिट है ना इसको रिड्यूस करने का. चलो कर देंगे थोड़ा. ए वर्ड थोड़ी है और क्या है, स्पेस दे दिया ना बच्चे, वर्ड में ही आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर गिवन है मुझे. ठीक है, सपोज रूट डायरेक्टरी स्कूल एंड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आर सेम. ओके, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ द फाइल सिलेबस डॉट जेपीजी. देखो दो टाइप के पाथ होते हैं, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ. एब्सोल्यूट पाथ आपके जो रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल टॉप मोस्ट डायरेक्टरी से आप जो पाथ बताते हो, दैट मीन्स स्कूल में जाके, अकेडमिक्स में जाके सिलेबस, स्कूल में जाके एग्जामिनेशन में जाके रिजल्ट डॉट जेपीजी, एब्सोल्यूट पाथ है. रिलेटिव पाथ अगर आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिलेट करके कोई पाथ बताते हो तो दैट इज योर रिलेटिव पाथ. अब आपको स्कूल से लेकर के सिलेबस का पाथ बताना है तो दैट मीन्स स्कूल, अकेडमिक्स एंड देन सिलेबस डॉट जेपीजी. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट इज राइट अ फंक्शन इन पाइथन दैट काउंट्स द, वो देखो आ गया ना, नंबर ऑफ मी और माई बताना है. कितने वर्ड्स प्रेजेंट है टेक्स्ट फाइल स्टोरी डॉट टी एक्स टी में. स्टोरी डॉट टी एक्स टी में ये कंटेंट है मेरे पास. माई फर्स्ट बुक वॉज मी एंड माई फैमिली एंड इट गिव मी अ चांस टू बी नोन टू द वर्ल्ड. और मी और माई बताना है कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, थ्री टाइम्स, राइट? अब वर्ड्स की बात हो गई ना बच्चों,
तो दैट मीन्स यहाँ पर मैं अपना कौन सा फंक्शन यूज करूंगी, स्प्लिट फंक्शन, राइट। रीड करके डायरेक्ट स्प्लिट कर दूं, क्योंकि यू नहीं बताना कि फर्स्ट लाइन में कितने मी और माई आ रहे हैं या सेकंड लाइन में कितने आ रहे हैं, ऐसा नहीं बताना है, ठीक है, टोटल बताना है। तो कुछ नहीं, रीड करके स्प्लिट कर दूं। स्टोरी डॉट txt फाइल भी नहीं, आई थिंक कर दें क्रिएट फटाफट से। चलो यहां पर हम देखें जरा, स्टोरी डॉट txt नहीं है तो क्रिएट कर देते हैं, कोई बात नहीं। राइट, इसको मैंने सेव कर दिया, और इसमें फंक्शन का नेम नहीं गिवन, तो आपकी चॉइस है, नहीं गिवन ना। डेफ कीवर्ड से फंक्शन डिफाइन करोगे, काउंट मी और माई, ऐसे लिख दिया मैंने फंक्शन का नेम। राइट, चलिए अब फाइल को ओपन कर दे। फाइल का नेम है मेरे पास स्टोरी डॉट txt। रीड मोड में ओपन कर दे फाइल को, सारा का सारा डेटा रीड कर ले रीड फंक्शन के थ्रू। अब स्प्लिट फंक्शन से मैं इसको स्प्लिट कर दू, मेरे पास वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। प्रिंट करो जरा, ये सारे के सारे वर्ड्स आ रहे हैं मेरे पास। राइट, वर्ड्स आ गए। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इस पर फॉर लूप लगा दो, एक एक वर्ड आ जाएगा मेरे पास। इफ वो जो वर्ड है डबल इक्वल्स टू किसके है, मी के। और देखो ऐसे ऐसे मत लिखना कि इफ वर्ड डबल इक्वल्स टू मी और माई, नहीं, इफ वर्ड डबल इक्वल्स टू मी और वर्ड डबल इक्वल्स टू माई अगर है, पहले प्रिंट करा ले। अगर वो सिर्फ मी और माई प्रिंट कर रहा है तो दैट मीन्स सही है, और कुछ प्रिंट कर रहा है तो कहीं हमने गड़बड़ करी है। हाँ ठीक है, तीन वर्ड्स आ रहे हैं ना टोटल, मीन्स तीन बार आ रहा है ऐसे। और आंसर भी आपका क्या है, काउंट ऑफ मी माई इन फाइल, काउंट करना। तो वेन एवर यू हैव टू काउंट, जस्ट टेक एनी वेरिएबल, इनिशियलाइज इट विद जीरो, और यहाँ पर हम उसको क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट। और आउटसाइड द फॉर लूप आप उसको क्या कराना, प्रिंट, और किस वेरिएबल की वैल्यू, काउंट की, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ गया, काउंट ऑफ मी और माई इन फाइल इज 3। क्या ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को, इज इट क्लियर? मैम विदाउट स्प्लिट भी कर सकते हैं क्या? यादव स्वास्थ्य जी आप प्लीज एक बार कोड शेयर करो, विदाउट स्प्लिट कैसे करोगे? राइट, वेरी गुड, इज इट क्लियर बेटा? यहाँ तक क्या सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर, एवरीथिंग क्लियर है? बता दो जरा मुझे फटाफट से। इफ वर्ड डबल इक्वल्स टू मी माई, नहीं सृजन ऐसे नहीं लिख सकते। चलो नाउ नेक्स्ट इज दिस वन डन। नेक्स्ट है मेरे पास राइट अ फंक्शन ए एम काउंट, जैसे अभी ई काउंट ई और टी काउंट करा था ना, वैसे ही ये काउंट करना है। इन पाइथन विच शुड रीड ईच कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट फाइल स्टोरी 2.txt एंड डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ अल्फाबेट ए एंड एम इंक्लूडिंग स्मॉल केसेस ए एंड एम टू। इसको मैं ऐसे ही बता दूं, कर लोगे, फाइल को ओपन करोगे रीड मोड में, डेटा को रीड करोगे, फॉर लूप लगाओगे, एक एक कैरेक्टर आ जाएगा। अगर वो एक एक कैरेक्टर, देखो या तो ऐसे लिख सकते हो इफ आई इन ए ए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इफ आई डबल इक्वल्स टू कैपिटल ए और आई डबल इक्वल्स टू स्मॉल ए, बोथ आर करेक्ट। राइट, तो सिंपल एलिफ भी लगा सकते हो यहां पर, लगा दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, डन।
क्या ये चीज क्लियर है सर बच्चों को? यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो इफ आई इन कैपिटल ई और स्मॉल ई, और यहां पर आप लिख सकते हो इफ आई इन कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, राइट? बोथ आर करेक्ट। विम क्लियर? विम भी क्लियर कर देता है क्या? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन अ फाइल स्टोरी डॉट टीएक्सटी व्हिच इज स्टार्टिंग विद अल्फाबेट ए। जो ए अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही है वो लाइंस आपको क्या करानी है? डिस्प्ले करानी है, नहीं काउंट करानी है, ठीक है? स्टोरी डॉट टीएक्सटी का डेटा क्या है फिलहाल? बस थोड़ा ही रहता है बच्चों, एक दो क्वेश्चंस और हैं। तुम्हारी मैम नहीं थकते, तुम थक जाते हो हैं कैसे बच्चे हो? तुमने सिर्फ सुनना है, हमने बोलना है। डेफ और फिर काउंट लाइन स्टार्ट, जो ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? फाइल को ओपन करोगे, फाइल का नेम मुझे गिवन है स्टोरी डॉट टीएक्सटी। स्टोरी डॉट टीएक्सटी में क्या डेटा है? ये डेटा है, और विच इज स्टार्टिंग विद अल्फाबेट ए। ए से तो कोई लाइन नहीं स्टार्ट हो रही ना, तो ए से कोई लाइन स्टार्ट करवाओ जरा। चलो यहां से ऐसे मैं कुछ लिख दूं, स्टार्ट्स विद ए मत लिखना, अगर वो लाइन एंड से स्टार्ट हो रही हो या एंड से स्टार्ट हो रही हो वो भी आ जाएगा। जैसे मैंने सपोज ये लिखा, राइट, और एक लाइन ए को स्टार्ट कर देते हैं ए से। ये सपोज मेरे पास डेटा है स्टोरी डॉट टीएक्सटी फाइल में। अब लाइंस की बात हो रही है तो आई थिंक मुझे यहाँ पर लाइंस रीड लाइन फंक्शन यूज कर लेना चाहिए, रीड लाइंस, ठीक है? अब एक एक लाइन चाहिए, फॉर लूप लगा दो। इफ देखो, अगर मैं लगाती हूँ जो तुम कह रहे हो लाइन डॉट स्टार्ट्स विद, और तुमने बोला स्टार्ट्स विद ए कर दो, ठीक है, जैसा तुम लोग बोल रहे हो बच्चों, और मैं प्रिंट करा दूं उस लाइन को, ठीक है ना? और फिर मैं अपनी फाइल को हमने क्या कर दिया, क्लोज, और काउंट लाइन स्टार्ट ए, ये फंक्शन है। तो देखो मेरे पास ना ये सारी लाइंस आ गई हैं, जो ए से भी स्टार्ट हो रही हैं, जो एंड से हो रही होगी, किसी भी से भी स्टार्ट हो रही होगी, बट ये एंड से स्टार्ट होने वाली लाइन तो नहीं चाहिए ना मुझे। तो जीरो इंडेक्स जिसका मेरे पास क्या हो, इन दिस क्वेश्चन ओनली कैपिटल ए इज रिटन। हाँ ठीक कह रहे हो, ऐसा कुछ वर्ड तो लिखा नहीं, जस्ट स्टार्टिंग विद एन अल्फाबेट ए, जो ए से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है? स्टार्ट्स विद भी चल जाएगा काम, कोई वर्ड थोड़ी बोला कि ए वर्ड से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है ना? हाँ, तो लाइन डॉट स्टार्ट्स विद भी ठीक है, और फिर लाइन ऑफ जीरो डबल इक्वल्स टू कैपिटल ए, ये भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट, राइट? हाँ, लाइन ऑफ जीरो भी क्लियर है, मतलब लिख सकते हो। इन दिस क्वेश्चन ओनली कैपिटल इज रिटन, इफ वी ऑल्सो राइट कोड फॉर कैपिटल ए ओनली देन इट वुड बी ऑल्सो राइट। यस, एग्जाम यहाँ पर कैपिटल ए गिवन है तो कैपिटल ए का ही लिखना, फिर स्मॉल ए का कोड मत लिखना। चलो क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? अब मेरे पास वो लाइन्स डिस्प्ले हो गई जो ए से स्टार्ट हो रही है। अच्छा तुम लोग लिख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, टाइप भी कर रहे हो, ब्रेन यूज कर रहे हो, इतना बच्चों के ऊपर है इसलिए थक गए। अच्छा तुम इसलिए थक गए कि तुम सुन भी रहे हो, लिख भी रहे हो,
ब्रेन भी यूज करेगा, हम तो बिना ब्रेन के बैठे हैं यहाँ, है ना। चलो कोई बात नहीं, बस लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसके बाद फिर हमारी तरफ से आप फ्री, फिर मिलेंगे कल। चलिए, राइट अ फंक्शन डिस्प्ले वर्ड्स इन पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल story.txt एंड डिस्प्ले दोज वर्ड्स विच आर लेस देन 4 कैरेक्टर्स। जो 4 कैरेक्टर्स से कम है ना, सिर्फ वो डिस्प्ले कराने हैं, वर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं ना, तो दैट मीन्स स्प्लिट फंक्शन यूज कर दें। कुछ ऐसा लाइन का तो लाइन्स तो रीड करनी है, बट कुछ ऐसा तो नहीं बोला ना फर्स्ट लाइन में कितने वर्ड है सेकंड लाइन में, डायरेक्ट रीड करके फटाफट से स्प्लिट कर दो इसको, ठीक है। देखो मैं चाहती तो इन सॉल्यूशन से भी तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती थी, बट नहीं किया ना, बिकॉज आई वॉन्ट के प्रैक्टिकली करा दें तो ठीक रहेगा। हाँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे आगे सारे क्वेश्चंस इजी लगेंगे बच्चे। चलो फटाफट से हम डिस्प्ले वर्ड्स नेम से एक फंक्शन डिफाइन कर दें, कॉपी पेस्ट का आसान काम ना बहुत आसान हो जाता है ना, एग्जाम में नहीं मिलता ना, एग्जाम में कॉपी पेस्ट आगे पीछे से कर लेते तुम लोग। चलो story.txt फाइल को रीड मोड में ओपन किया, रीड फंक्शन से डेटा को रीड कर लोगे, फिर इसको स्प्लिट कर दोगे, फिर क्या करोगे, एक एक वर्ड पिक कर लो, जरा वर्ड ही लिख दो यहाँ पर इस वेरिएबल का नेम। इफ अगर वर्ड लेंथ जो है वर्ड की क्या है 4 है, विच आर लेस देन 4 कैरेक्टर्स, तो लेस देन 4, तो मैं उस वर्ड को क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप फाइल को क्या कर दो, क्लोज, और डिस्प्ले वर्ड्स फंक्शन को कॉल कर दो। कोई है ऐसा वर्ड? हाँ, ये है ना ऐसे वर्ड जो आपके लेस देन 4 कैरेक्टर्स हैं, काउंट करना है या सिर्फ डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे वर्ड्स आपके डिस्प्ले हो गए विच आर लेस देन 4 कैरेक्टर्स। सो क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर बच्चों, फटाफट से बता दो, इज इट क्लियर जितना हमने करा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी क्वेश्चन में? क्या अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे हमारे टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चंस को? यस, वेरी गुड। नहीं नहीं सुकन्या जी, इट्स ओके, कोई सॉरी की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला आपने, ठीक है। चलो क्लियर, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ठीक है। अब आज ना आपको हम एक होमवर्क भी देंगे, आज से पहले मैंने कभी नहीं बोला ना कि ये आपका होमवर्क है, पढ़ करके आना, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन था बच्चों, PYQs ऑफ टेक्स्ट फाइल कंप्लीट होता है, और कल का हमारा जो सेशन है ना वो रहने वाला है हमारा PYQs ऑफ बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल, ठीक है। कल का जो हमारा लेक्चर था ना वो आप काफी बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा था, और फिर कमेंट सेक्शन में भी मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे, मैम ये तो सही के ऊपर से जा रहे हैं। अब दो ही ऑप्शन है, या तो हमने नहीं अच्छे से कराया, या हो सकता है आपने प्रैक्टिस नहीं की, फर्स्ट वाला ऑप्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है मेरे कराने में कहीं कुछ कमी पेशी रह गई हो, बट अगर मुझे जहां तक मैं जानती हूँ ना, तो कराया तो अच्छे से था। आप उस कल वाले वीडियो को दोबारा जरूर देख करके आना, कल जब हम PYQ सॉल्व करेंगे हमारे बाइनरी और CSV फाइल के लिए, मोस्टली सर्च से रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है, या फिर कॉपी करना डेटा को इस तरीके से। तो ये वाला जो वीडियो होगा ना, हमने जो कल किया था बाइनरी फाइल और CSV फाइल का, इसको देख करके जरूर आना, अच्छे से समझना डेटा राइट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, वो सारे ऑपरेशंस, राइट, ठीक है। सो अगर कल का सेशन टफ लगा था बच्चों, एक ही सॉल्यूशन है बच्चों, इसको प्रैक्टिस करो, इफ पॉसिबल लैपटॉप नहीं है तो फोन पर हो जाएगा, पाइडोड या कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, उस पर प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर हो जाए तो आपने तो एग्जाम में लिखना, तो एक बार लिख करके और देख लेना, राइट। अपेंड निहारिका चौहान, जैसे हमने राइट फंक्शन करा था ना, सेम बस W की जगह AB मोड लगा देना, वो अपेंड का बन जाएगा एज इट इज।
पहले ही दो बार देख चुकी है। ओके तो आई थिंक सुकन्या जी फिर वो क्लियर हो चुका होगा अब तक, राइट? नहीं नहीं हेमा जी ऐसा कुछ नहीं है, आपके में कोई, हम में भी कमी हो सकती है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग ना, ठीक है, हो सकता है कई बार की कुछ ढंग से हो सकता है ना एक्सप्लेन किया हो, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार उसको पढ़ करके जरूर आना, जहां से मर्जी समझ में, बुक से पढ़ना बुक से पढ़ो, कहीं और से पढ़ना कहीं से मर्जी पढ़ो, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो कल हम सॉल्व कर रहे होंगे हमारे पी वाई क्यूज ऑफ बाइनरी फाइल एंड सी एस वी फाइल, राइट। सो यहाँ से जाने से पहले देखो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, 51 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस लाइव सेशन नाउ ना, तो मुझे इस सेशन को एंड करते ही 51 के कमेंट्स आ जाने चाहिए कि ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। तुम बोल तो देते हो सेशन अच्छा लगा यहाँ पर चैट सेक्शन में कि डाउट क्लियर हो गए हैं, बट फिर कमेंट नहीं करके जाते हो कहाँ पर काउंट जीरो यूज करना है। सिद्धार्थ बच्चे जहां पर भी हमें कोई भी चीज काउंट करनी हो, यू वर्ड काउंट करना है, सिद्धार्थ काउंट करना है कितने टाइम्स आ रहे हैं, ई वरी कैरेक्टर काउंट करना है, जब भी कोई चीज काउंट करनी हो तभी लिखोगे ये चीज, ठीक है। सो मेक श्योर बच्चे 50 स्टूडेंट्स लाइव है, हाफ सेंचुरी, ये सेशन एंड करते ही कमेंट सेक्शन मेरा भर जाना चाहिए, ठीक है, अगर पसंद आया हो तो, फोर्सफुली कमेंट नहीं कराते, ठीक है। फिर हाँ कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड दोज आर वॉचिंग दिस रिकॉर्डेड सेक्शन, बच्चों मेक श्योर अगर वीडियो पसंद आई हो, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हो, सारे कंसेप्ट एकदम माइंड में फिट हो गए हो, मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करके जरूर जा रहे हैं, एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एग्जाम आने वाले हैं, तो जैसे आपका भला हुआ ऐसा ही बाकी सबका भला भी कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, एंड मेक श्योर बच्चों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो सी यू टुमारो, मिलते हैं कल के सेशन में 4 बजे, और कल हम सॉल्व कर रहे होंगे हमारे पी वाई क्यूज ऑफ बाइनरी फाइल एंड सी एस वी फाइल को, राइट। सी यू टुमारो एट 4 PM, तब तक आज तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी है ना, पढ़ते रहिए और जोर जोर से मुस्कुराते रहिए, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।